आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूँ, संवाद करना चाहता हूँ, और वो विषय है दुनिया को भारत की देन, विश्व को भारत की देन। भारत ने अब तक दुनिया को क्या क्या दिया है, भारत के द्वारा दुनिया में क्या क्या आया है, ज्ञान के स्तर पर हमने दुनिया को क्या दिया है, नीतियों के स्तर पर हमने दुनिया को क्या दिया है, व्यवस्थाओं के स्तर पर हमने दुनिया को क्या दिया है, ऐसे कुछ विषयों पर मैं आज आपसे बात करूंगा। बहुत सारी रोचक जानकारियां आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। कई जानकारियां आपके सामने ऐसी आएंगी जो आपने पहले सुनी नहीं होंगी, किसी ने आपको बताया नहीं होगा, चर्चा भी शायद आपके बीच में नहीं हुई होगी। मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, वो ये कि आज जो जानकारियां आपको ऐसी लगें कि आपने पहले कभी नहीं सुना या पहले कभी उसके बारे में नहीं जाना, किसी ने आपको उसके बारे में नहीं बताया, तो इन जानकारियों को आप यहाँ से लौटने के बाद अधिक से अधिक लोगों को बताएं, ताकि उनका अज्ञान इस माध्यम से हम दूर कर सकें जो भारत स्वाभिमान का माध्यम है। मैं सबसे पहले बात शुरू करना चाहता हूँ आज के व्याख्यान में, वो यहाँ से कि हम सभी विद्यार्थी रहे हैं और अपने जीवन में पढ़ाई करके निकले, सभी ने प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, फिर उच्च कक्षाओं के स्तर पर काफ़ी कुछ पढ़ा लिखा है, लेकिन हमारे मन में बचपन से जो एक बात घुसाई जाती है, बिठाई जाती है या पढ़ाई जाती है, वो ये कि दुनिया में भारत सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ देश रहा। फिर पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब देश भारत रहा। फिर बताया और पढ़ाया जाता है कि दुनिया को कभी कुछ भारत ने नहीं दिया, भारत को दुनिया के देशों ने बहुत कुछ दिया। हमको बताया और पढ़ाया जाता है कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो इस भारत में कुछ नहीं होता, अंग्रेज नहीं आते तो शिक्षा नहीं होती, अंग्रेज नहीं आते तो विज्ञान नहीं आता, अंग्रेज नहीं आते तो तकनीकी नहीं आती, अंग्रेज नहीं आते तो रेल नहीं आती, अंग्रेज नहीं आते तो हवाई जहाज नहीं होता। ऐसी ऐसी बातें हम बचपन से पढ़ते आते हैं, सुनते आते हैं और आपस में चर्चाएं भी करते रहते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख और दुर्भाग्य इस बात का लगता है कि हमारे अध्यापक हमको ये सब पढ़ाते हैं, गुरु हमारे जो आज के वर्तमान में हैं, अब गुरु तो कम हो गए हैं, शिक्षक ज़्यादा रह गए हैं, तो वर्तमान में जो हमारे शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, वही हमको ये सब पढ़ाते हैं और बताते हैं इस तरीके से कि दिमाग में घुसा देते हैं, फिर उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। आपने एक मनोविज्ञान की बात सुनी होगी, दुनिया में बार बार कही जाती है कि एक झूठ को जब बार बार बोला जाता है, बार बार बोला जाता है, बार बार बोला जाता है, तो थोड़े दिन वो झूठ सुनते सुनते सच लगने लगता है। तो भारत के बारे में पिछले कम से कम 250-300 वर्षों से एक झूठ पूरी दुनिया में बोला जा रहा है कि भारत एक गरीब देश, भारत एक पिछड़ा देश, भारत एक अवैज्ञानिक देश, भारत एक ऐसा देश जहां विज्ञान नहीं, जहां तकनीकी नहीं, जहां गणित नहीं, जहां भौतिक शास्त्र नहीं, जहां रसायन शास्त्र नहीं, कुछ भी नहीं। भारत एक ऐसा देश जो हर समय दूसरों पर निर्भर, भारत एक ऐसा देश जो हमेशा परावलंबी, भारत एक ऐसा देश जिसकी अपनी सभ्यता और संस्कृति में गौरव करने लायक कुछ नहीं, और जो कुछ गौरव करने लायक है वो पाखंड है, जो कुछ गौरव गर्व करने लायक है वो अवैज्ञानिक है, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, उसका कोई तार्किक आधार नहीं। इसी तरह की बातें पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते हम सब बड़े हुए हैं। और हमारे शिक्षकों को जब हम ये प्रश्न करते हैं कि आप ये सब हमें क्यों पढ़ाते हैं, तो कहते हैं हमको किसी ने ऐसे ही पढ़ाया है तो हम तुमको पढ़ाते हैं। तो हमारे शिक्षकों के जो शिक्षक रहे हैं उन्होंने भी ऐसे ही पढ़ाया है। और मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा कोफ्त तब होती है कि एक साधारण आदमी भारत के बारे में जब ये कहता है कि हमारे पास ज्ञान नहीं, हमारे पास तकनीकी नहीं, हमारे पास विज्ञान नहीं, हमारे पास अर्थशास्त्र नहीं, धन नहीं, कुछ नहीं, हम तो हमेशा से पिछड़े गरीब देश हैं, तो सामान्य आदमी की बात को तो क्षमा किया जा सकता है, लेकिन जब भारत का प्रधानमंत्री ये कहने लगे तो दिल को बहुत चोट पहुँचती है। हमारे देश के कई प्रधानमंत्रियों के मुंह से मैंने ये सुना
कि भारत हमेशा से गरीब देश है, तकनीकी यहाँ नहीं रही, विज्ञान यहाँ नहीं रही, शिक्षा यहाँ नहीं रही, जो कुछ भी हमारे पास है वो सब अंग्रेजों की देन है। भारत के बारे में सारी दुनिया में हमारे प्रधानमंत्रियों ने बोला है, सपेरों का देश, लुटेरों का देश, अंधेरे का देश, ठगों का देश, डकैतों का देश, इस तरह की बातें सारी दुनिया में भारत के बारे में प्रचारित हुई हैं, गड़रियों का देश, ऐसे ऐसे बात हमारे देश के बारे में दुनिया के लोगों के सामने आए हैं कि शर्म आती है। कई बार अपना जी करता है कि क्या करें। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा लंदन के ऑक्सफोर्ड हॉल में दिए गए भाषण की याद दिलाना चाहता हूँ, जो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिया जब उनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी जा रही थी, और उन्होंने यही कहा कि हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं, जो अंग्रेज भारत में नहीं आते तो हमको तो ना विज्ञान पता था, ना तकनीकी पता थी, ना हमारी शिक्षा व्यवस्था कोई होती, ना हमारे पास कोई अर्थव्यवस्था होती, ना हमारे पास कोई कृषि व्यवस्था होती, ना हमारे पास डाक्तार विभाग होता, ना रेलवे विभाग होता, वगैरह वगैरह। लंबा भाषण हमारे प्रधानमंत्री ने ऑक्सफोर्ड में दिया, 40 मिनट तक वो ये गुणगान करते रहे कि अंग्रेजों का आना भारत के लिए वरदान था, अगर अंग्रेज नहीं आते तो हम तो आज भी अंधेरे में डूबे हुए रहते। अब ये जो वर्तमान प्रधानमंत्री का बयान है, वैसा ही बयान हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने भी कई बार हमारी संसद में दिया, अपनी संसद में कहा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने कि अगर अंग्रेजों का भारत के साथ संयोग नहीं होता तो भारत तो हमेशा अंधकार और अंधेरों में डूबा हुआ देश ही रहता। इसलिए भारत को विकास कराना है तो अंग्रेजों जैसा बनाना है, भारत को आगे बढ़ाना है तो अंग्रेजों के रास्ते पे ही चल के उसको ले जाना है। तकरीबन इसी तरह की बातें भारत के विभिन्न प्रधानमंत्री कहते रहे, शर्म और अफसोस हमारे देश के लोगों को देते रहे। दो या तीन प्रधानमंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी प्रधानमंत्री इसी मानसिकता के रहे इस देश में पिछले 63 वर्षों में। एक प्रधानमंत्री थे जिनको भारत की परंपराओं पर बहुत गर्व होता था, संस्कृति सभ्यता पर बहुत गर्व होता था, उनका नाम था श्री लाल बहादुर शास्त्री। तो जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था इस देश में, जो सामान्य रूप से किसी प्रधानमंत्री के साहस में नहीं होता। फैसला उनका ये था कि अमरीका से लाल रंग का गेहूँ आता था भारत में, जिसको अमरीका में जानवर भी नहीं खाते, वो गेहूँ हमें खिलाया जाता था। श्री शास्त्री जी ने फैसला लिया कि ये गेहूं हमें खाना मंजूर नहीं है, क्योंकि अपमानजनक तरीके से आता है और रद्दी है, सबसे खराब है, और वो गेहूं उन्होंने अमेरिका से लेना बंद कर दिया था। उस समय गेहूं का उत्पादन बहुत कम था और उन्होंने इतना बड़ा साहस दिखाया कि हम विदेशों से गेहूं नहीं खाएंगे और नहीं लाएंगे। तो कई लोगों ने उनको समझाया कि शास्त्री जी, अगर ये गेहूं हम नहीं खाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। तो इतना कड़ा बयान उन्होंने दिया था कि हमको भूखे मरना मंजूर है, लेकिन अपमानजनक शर्तों पर घटिया गेहूं खाना मंजूर नहीं। जब ये बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी, तो संसद में भयंकर बहस हुई थी। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जब गेहूं का आयात उन्होंने बंद किया अमेरिका से, तो संसद में बड़ी बहस हुई थी और कई सांसदों ने शास्त्री जी को ये कहा कि अगर ये अमेरिका और यूरोप के देश ना होते तो हम तो कहीं के न रहते। तो शास्त्री जी ने फिर एक कड़ी बात कही थी कि अमेरिका और यूरोप के पास ऐसा कुछ नहीं है जो वो भारत को दे सकें, हमारे पास ही है जो हम उन्हें दे सकते हैं। ये बड़ी बात उन्होंने उस समय कही थी। इसी तरह एक और प्रधानमंत्री हुए थे इस देश में, उनका नाम था श्री मुरारजी देसाई। वो भी बहुत भरे हुए थे कूट कूट कर भारतीय संस्कृति सभ्यता की बातों से, और वो कहा करते थे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्ञान अगर किसी देश के पास है तो वो भारत के पास है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि उस ज्ञान को हम दुनिया में स्थापित करने में पीछे रह गए। इसी तरह के एक प्रधानमंत्री और हुए हैं इस देश में, वो बहुत कम समय के लिए रहे, चंद्रशेखर, 4 महीने रहे, लेकिन वो भी ये कहा करते थे कि यूनान की सबसे पुरानी सभ्यताओं से पुरानी सभ्यता हमारी रही है, यूरोप के पास जो कुछ भी तकनीकी और विज्ञान रहा है उससे पहले हमने वो तकनीकी और विज्ञान हासिल किया है, इसलिए हमें विदेशियों से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो उनको कुछ दे देंगे, लेने लायक हमारे लिए उनके पास कुछ है नहीं। तो ऐसी बातें कहने वाले 2-3 प्रधानमंत्रियों को छोड़कर लगभग सभी प्रधानमंत्री इस मानसिकता के हुए कि भारत के पास कभी कुछ नहीं रहा,
हमने कभी कुछ दुनिया को दिया नहीं, हमने हमेशा दूसरों के सामने हाथ पसार कर भीख मांगी है, चाहे ज्ञान की हो, चाहे पैसे की हो, चाहे तकनीक की हो, जो भी है हम दूसरों से लेकर अपने को आगे बढ़ाते रहे। ये बहुत बड़ा भ्रम है, ये बहुत बड़ा मिथ है। ये भ्रम जितनी जल्दी टूटे इस देश का, उतना ही देश के लिए बेहतर है। इस दृष्टि से मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो हमारे इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देंगे। और आज के बाद हम में गर्व होगा ये कहते हुए कि भारत के पास ही सब कुछ है, वो ज्ञान के स्तर पर हो, व्यवस्था के स्तर पर हो, नीतियों के स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर हो। मैं शुरुआत करता हूँ, भारत ने दुनिया को क्या दिया। सबसे पहली जो बात हम दुनिया के सामने कह सकते हैं बड़े गर्व से, गौरव से, और सारी दुनिया ने अभी उसको स्वीकार करना भी शुरू कर दिया है पिछले 10-12 वर्षों से, खासकर जब से कंप्यूटर आया तब से दुनिया ने कुछ वास्तविकताओं को स्वीकार कर लिया। उनमें से एक वास्तविकता को जो दुनिया ने स्वीकार किया है वो ये कि सबसे पहली भाषा और सबसे पहली लिपि दुनिया को दी है तो वो भारत ने दी है। लिपि आप समझते हैं जिसमें भाषा लिखी जाती है, और भाषा तो आप जानते हैं। तो दुनिया की सबसे पहली भाषा और सबसे पहली लिपि जिसको लिखकर हम व्यक्त कर सकते हैं वो भारत ने ही दुनिया को दी है। भाषा हमारी जो सबसे पहली दुनिया में गई है वो संस्कृत है, और लिपि जो हमारी दुनिया में सबसे पहली गई है वो देवनागरी है। लेकिन भारत में कई ऐसे इतिहासकार हुए हैं जिनका ये कहना है कि देवनागरी लिपि से भी पहले एक लिपि हमने दुनिया को दी है जो आज लुप्त हो गई है हमारी लापरवाही के कारण, और वो लिपि ब्राह्मी लिपि रही है। ब्राह्मी लिपि के बारे में सारी दुनिया के वैज्ञानिकों ने एक बात जो स्वीकार की है वो ये है कि ब्राह्मी लिपि उतनी ही पुरानी है जितना पुराना भारत है। और भारत के पुराने होने के बारे में परम पूजनीय स्वामी जी के मुंह से अभी आपने सुना, 1,96,00,000,000 माने लगभग 2 अरब साल पहले का ये पूरा हमारा ब्रह्मांड है, प्रकृति है जिसमें भारत बसता है, लगभग उतनी ही पुरानी ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। अब समस्या उत्पन्न ये हो गई है कि इतनी पुरानी ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाले और समझने वाले वैज्ञानिकों की संख्या अभी नहीं है। बहुत बहुत थोड़े वैज्ञानिक रहे हैं जो लिपि वैज्ञानिक माने जाते हैं, जो वो भाषा को पढ़कर उसका अर्थ समझा सकते हैं। तो ब्राह्मी लिपि हमारी सबसे पुरानी लिपि है जो दुनिया के देशों को हमने दी, और दुनिया के लिपि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि लिखना अगर दुनिया में सिखाया है किसी देश ने तो वो भारत ने ही सिखाया है, क्योंकि भारत के पहले लिखने की कला किसी भी देश को नहीं आती थी, भारत ने लिखना सिखाया, क्योंकि लिपि का आविष्कार सबसे पहले भारत में हुआ। जब आपके पास लिपि होती है तभी आप लिख सकते हैं। पढ़ना और बोलना तो थोड़ा आसान होता है लेकिन लिखना थोड़ा कठिन माना जाता है, वो लिपि के प्रभाव से ही होता है। तो सबसे पहली लिपि हमारी, तो सबसे पहले लिखना हमारे यहाँ शुरू हुआ, और वो लिखना फिर हमारे यहाँ से चीन में गया। चीन ने हमसे लिखना सीखा। चीन के जो लिपि वैज्ञानिक हुए हैं जो पिछले हजारों साल का अध्ययन कर रहे हैं वो ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करते हैं कि चीन के वैज्ञानिक, चीन के ऋषि मुनि भारत आए, उन्होंने लिपियों का अध्ययन किया, अध्ययन करके चीन में वापस गए और वहां जाकर फिर उन्होंने अपनी लिपियों का आविष्कार किया। तो लिखना भारत ने सिखाया पूरी दुनिया को, और अगर भाषा आपने दी है पूरी दुनिया को तो दूसरी बात भी कही जा सकती है कि बोलना भी हमने ही सिखाया पूरी दुनिया को। लिपि से लिखना आता है, भाषा से बोलना आता है। भाषा हमारी सबसे पुरानी संस्कृत जो सारी दुनिया में हमने दी है। दुनिया की जो विशिष्ट भाषाएं मानी जाती हैं अंग्रेजी को छोड़कर, जैसे जर्मन है, जैसे फ्रेंच है, जैसे डच है, जैसे इटालियन है, जैसे पोर्चुगीज़ है, जैसे स्पेनिश है, जैसे रशियन है, जैसे डेनिश है, दुनिया में विशिष्ट भाषाओं में ये मानी जाती है अंग्रेजी को छोड़कर। अंग्रेजी विशिष्ट भाषाओं में नहीं मानी जाती, अंग्रेजी सामान्य भाषाओं में गिनती होती है,
क्योंकि अंग्रेजी दूसरों की नकल है और जो दूसरी भाषाएं हैं वो मूल भाषाएं मानी जाती हैं। तो जो मूल भाषाएं मानी जाती हैं पूरी दुनिया में, जर्मन हो, फ्रेंच हो, डच हो, इटालियन हो, रशियन हो, फिर स्पेनिश हो, पोर्चुगीज हो, ये सभी मूल भाषाओं के मूल वैज्ञानिक जो अध्ययन करते रहते हैं वो ये कहते हैं कि हमारी सभी भाषाएं संस्कृत से निकली। जर्मनी में तो ये बात बिल्कुल गहराई तक स्वीकार की जा चुकी है कि जर्मन भाषा संस्कृत की देन है। और जर्मनी के लोग अपने आप को बड़े गर्व से ये कहते हैं कि हम आर्य हैं, माने हम भारतवासियों के ही जैसे हैं, हमारे वंशज भारतवासी रहे हैं। जर्मनी की जो हवाई जहाज की सेवा है ना, उनकी सबसे बड़ी हवाई सेवा, उसका नाम है लुफ्थहंसा। जब लुफ्थहंसा के बारे में किसी जर्मन को मैंने पूछा कि ये लुफ्थहंसा क्या शब्द है, जर्मनी का शब्द है, जर्मन का शब्द है, वो वैज्ञानिक मुझे हैरानी से देखने लगा, कहने लगा ये जर्मन का शब्द नहीं है, ये संस्कृत का शब्द है। मैं पूछा क्या है, तो उसने कहा लुफ्थहंस, उसमें से बना लिया लुफ्थहंसा। लुप्त माने खत्म हो गए, विलीन हो गए। और हंस जानते हैं एक बहुत विशेष किस्म का पक्षी जो आज दुनिया में हमें दिखाई नहीं देता। एक जमाने में सबसे ज्यादा ये हंस भारत में ही हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा भारत के संस्कृत में से हमने ये निकाला है लुफ्थहंसा। हंस जो लुप्त हो गए उनके नाम पर हमारी पूरी एयरलाइन चलती है जिसको लुफ्थहंसा कहते हैं। पहली बार मुझे पता चला कि जर्मनी की सरकार का संस्कृत के प्रति इतना प्रेम है कि उन्होंने अपनी एयरलाइंस का नाम ही भारत के शब्दों से बना लिया। और आज जर्मनी में शिक्षा में, विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षा में संस्कृत की पढ़ाई पर और संस्कृत के शास्त्रों की पढ़ाई पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। और जर्मनी दुनिया का भारत के बाहर का पहला देश है जिसने अपनी एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय संस्कृत साहित्य के लिए समर्पित किया हुआ है। और जर्मनी दुनिया का वो पहला देश है जिसने भारत के बाहर भारत की विद्या को सीखने और सिखाने की परंपरा शुरू की है। हमारे जो महर्षि चरक हुए, जिन्होंने चिकित्सा व्यवस्था का सबसे पहला सिद्धांत और सारी विद्याएं दुनिया को सिखाई चरक, उनके नाम पर जर्मनी की सरकार ने विभाग बनाया है, उसका नाम ही है चरकोलॉजी। चरक ऋषि के नाम पर चरक लिया और लॉजी उसमें उन्होंने लगा दिया अंग्रेजी का, तो चरकोलॉजी विभाग उनका है, माने चिकित्सा विभाग। जर्मनी की सरकार सबसे ज्यादा भारतीय विद्याओं की जो खोज है उस पर खर्चा कर रही है। अंग्रेजी में उसको हम कहते हैं इंडोलॉजी, इंडोलॉजी का माने होता है भारतीय विद्याएं। तो भारतीय विद्याओं पर भारत के बाहर सबसे ज्यादा शोध अगर हो रही है तो जर्मनी में। और जर्मन वैज्ञानिकों से जब हम पूछते हैं कि ये सब आप क्यों कर रहे हैं, तो कहते हैं वो संस्कृत का कारण है। क्योंकि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, सबसे पहली भाषा है, इसलिए सबसे पुराना और सबसे पहला ज्ञान भी इसी में है। और वो ज्ञान हमें सीखना है ताकि हम हमारे देश को आगे बढ़ा सकें। तो सबसे पहली भाषा और सबसे पहली लिपि हमने दुनिया को दी। अब संस्कृत के बारे में दो तीन महत्व की बातें जो सारी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। संस्कृत के बारे में सबसे अच्छी बात जो आज कही जा रही है वो ये कि कंप्यूटर को चलाने के लिए जिस भाषा का सबसे अच्छा उपयोग हो सकता है वो यही भाषा है संस्कृत। कंप्यूटर चलाने के लिए आप जानते हैं कुछ सिद्धांत तय किए जाते हैं, उनको अंग्रेजी में एल्गोरिथम्स कहते हैं। जो एल्गोरिथम सबसे अच्छी बनी है आज तक पूरी दुनिया में वो संस्कृत में ही बनी, अंग्रेजी में नहीं बनी। आपको सुनकर हैरानी होगी, दुनिया में कंप्यूटर चलाने वाली सबसे अच्छी एल्गोरिथम, बेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी एल्गोरिथम वो संस्कृत में तैयार हुई है। और थोड़े दिन में संस्कृत की वो एल्गोरिथम सारी दुनिया पे छा जाने वाली है। सब वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। कारण जानते हैं क्या, वो कहते हैं कि इस भाषा में दो चीजें बहुत महत्व की हैं जो दूसरी भाषाओं में नहीं मिलती। पहली भाषा की जो विशेषता है संस्कृत की वो ये कि इसका जो व्याकरण है वो एकदम पक्का है।
इतना पक्का है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले किसी ऋषि मुनि ने जो व्याकरण में कह दिया है वो 21वीं शताब्दी में भी उतना ही सच है जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले। महर्षि पाणिनि के जो सूत्र हैं हजारों वर्ष पुराने हैं, और हजारों वर्ष पुराने महर्षि पाणिनि के सूत्रों में एक कॉमा एक फुल स्टॉप को भी बदलने की जरूरत आज तक किसी को नहीं लगती। ये इस भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है। दुनिया की बाकी सभी भाषाओं में बदलाव होते हैं, समय के साथ बदलाव होते हैं, और व्याकरण काफी कुछ बदलता रहता है, लेकिन संस्कृत दुनिया की अकेली और एकदम विशिष्ट भाषा है जिसका व्याकरण महर्षि पाणिनि से लेकर आज 21वीं शताब्दी तक एकदम पक्का है, और शायद अगले लाखों करोड़ों वर्ष तक उतना ही पक्का रहेगा, जिसमें कोई भूल चूक होने की दूर दूर तक संभावना नहीं। ये भाषा की सबसे बड़ी विशेषता होती है, और इसलिए फ्रांसीसियों ने अपनी जो भाषा बनाई फ्रेंच उसको संस्कृत का आधार दिया, जर्मन लोगों ने जो अपनी भाषा बनाई जर्मन उसको संस्कृत का आधार दिया। आप कभी फ्रेंच भाषा को या जर्मन भाषा को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे संस्कृत होती है। संस्कृत में धातु रूप होते हैं, शब्द रूप होते हैं, फ्रेंच में भी ऐसे ही होता है। और मैंने गिनना शुरू किया तो फ्रेंच जर्मन डेनिश और बहुत सारी भाषाओं की गिनती करते करते 56 ऐसी भाषाएं हैं जिनके शब्द रूप धातु रूप लगभग संस्कृत जैसे हैं। बहुत मामूली सा अंतर है उनमें, और वो मामूली सा अंतर भी क्यों रखा गया, जब उन लोगों से बात होती है जिन्होंने इस भाषा पे काम किया वो कहते हैं वो जानबूझ के रखा गया। मैं पूछता हूं क्यों, तो कहते हैं फिर तो पता ही नहीं चलेगा संस्कृत और हमें अंतर क्या है, तो हमने जानबूझ के कुछ अंतर छोड़ रखा है, शायद वो अंतर भी थोड़े दिन में खत्म हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है जो सारी दुनिया के वैज्ञानिक अब स्वीकार करते हैं कि भारत की अकेली विशिष्ट भाषा संस्कृत है जिसके पास शब्दों का सबसे बड़ा भंडार। इतना बड़ा शब्द भंडार किसी भाषा में नहीं है जो संस्कृत भाषा के पास है। दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जिसको हम अंग्रेजी कहते हैं या रशियन कहते हैं या जर्मन कहते हैं या फ्रेंच कहते हैं या डच पोर्चुगीज स्पेनिश कहते हैं जिनको कहा जाता है या चाइनीज कहते हैं, इन सब भाषाओं से हजारों गुना ज्यादा शब्द संस्कृत में। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का ग्रामर जब तय किया उस समय से लेकर और आज तक अगर संस्कृत के इस्तेमाल किए गए शब्दों की गणना की जाए कि कितने संस्कृत शब्द भाषा के स्तर पर इस्तेमाल हुए हैं और लोगों के बीच में वो आए हैं शास्त्र के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, बोलचाल के माध्यम से, तो संस्कृत भाषा में अब तक जिन शब्दों का इस्तेमाल हो चुका है और भविष्य में और होगा 102,78,50,00,000 शब्दों का इस्तेमाल अब तक संस्कृत भाषा में हो चुका है। 102,78,50,00,000 इतने शब्दों का इस्तेमाल महर्षि पाणिनि के समय से लेकर और अभी तक हो चुका है। और संस्कृत के विद्वान कहते हैं कि अगर आज से अगले 100-200 साल की बात हम करें और इसी तरह से संस्कृत में काम चलता रहे तो इतने ही शब्दों का और इस्तेमाल अगले 100 से 200 वर्षों में हो चुका होगा। जब संस्कृत कंप्यूटर की भाषा हो जाएगी थोड़े दिन में, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी एल्गोरिथम संस्कृत में तैयार हुई है और सामान्य कंप्यूटर की भाषा में संस्कृत आने लगेगी, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि 102,78,50,00,000 जो शब्द अब तक इस्तेमाल हुए हैं इतने ही शब्द और इस्तेमाल हो चुके होंगे अगले 100 से 150-200 वर्षों में। माने दुनिया में किसी भाषा में इतना बड़ा शब्द भंडार होने की दूर दूर तक क्षमता नहीं है जो संस्कृत में। और संस्कृत भाषा के जो वैज्ञानिक हैं, जानकार हैं, वो ये कहते हैं अनंत शब्द भंडार। ये 102,78,50,00,000 तो वो गिनती है जो अब तक इस्तेमाल हुए शब्द हैं, जो भविष्य में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं उनकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि अनंत शब्द भंडार। दुनिया में किसी भाषा में इतना बड़ा शब्द भंडार नहीं। कोई व्यक्ति अगर लगकर ईमानदारी से 3 वर्ष करे काम तो संस्कृत भाषा का ये पूरा व्याकरण सीख सकता है और इतना बड़ा शब्द भंडार उसके कोश में आ सकता है।
हमारे परम पूज्य ऋषि महर्षि पाणिनी ने जो लिखा है अष्टाध्यायी, उसको 3 वर्ष में पढ़कर कोई व्यक्ति बड़ा पंडित हो सकता है। मैं और एक गहरी तीसरी बात कहना चाहता हूं संस्कृत के बारे में, जो दुनिया के सारे वैज्ञानिक कहते हैं, वो ये कि सबसे बड़ी बात सबसे कम शब्दों में कहने की क्षमता अगर दुनिया की किसी भाषा में है तो वो संस्कृत में। सबसे बड़ी बात, एक वाक्य हो सकता है बहुत बड़ा, अगर हम पेज के लाइन के हिसाब से देखें तो बहुत सारे वाक्य ऐसे हो सकते हैं जो चौथाई पेज के हों, एक तिहाई पेज के हों, आधे पेज के हों। संस्कृत की ताकत इतनी बड़ी है कि उनको सबसे कम शब्दों में कह सकती है और पूरी बात उसमें आ सकती है, एक बात भी उसमें छूटे बिना। तो ये तीसरी सबसे बड़ी बात जो इस भाषा में है कि बड़े से बड़ी बातों को सूत्र रूप में, संक्षेप रूप में कह देने की ताकत इस भाषा में है, जो दूसरी भाषाओं में बहुत कम मिलती है। और ऐसे गुणगान अगर मैं करता रहूं तो पूरा व्याख्यान ही संस्कृत भाषा पे हो जाएगा, इसलिए मैंने संकेत के रूप में आपसे कहा कि दुनिया को सबसे पहली भाषा और सबसे पहली लिपि हमने दी तो संस्कृत भाषा के रूप में दी और ब्राह्मी लिपि के रूप में दी, और बाद में देवनागरी लिपि सारी दुनिया में स्थापित हुई। बहुत सारे वैज्ञानिक इस बात के लिए आजकल चर्चाएं कर रहे हैं, सारी दुनिया की भाषाओं का झगड़ा मिटा दें। आपको मालूम है भाषाओं के आधार पर बहुत झगड़े होते हैं दुनिया में, ये देश उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, भारत में भी झगड़े हो रहे हैं कि ये इलाका हमारा है, वो इलाका इनका है, वो भाषा के आधार पर। और प्रांतों की रचना भी हमारे देश में भाषावार आधार पर हो गई है और वो सबसे बड़ी गलती हो गई। तो भाषा के आधार पर दुनिया में बहुत झगड़े हैं, लेकिन कई वैज्ञानिक मुझे ये कहते रहते हैं कि सारे झगड़े मिट सकते हैं अगर सब भाषाओं की लिपि देवनागरी हो जाए तो सारी दुनिया के भाषाओं के झगड़े मिट सकते। हमारी भारत में कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, उड़िया है, बांग्ला है, आसामी है, मराठी है, गुजराती है, और दुनिया में फ्रेंच है, जर्मन है, डच है, फिर स्पेनिश है, फिर पोर्चुगीज है। ऐसी 20-50 सैकड़ों भाषाओं को देवनागरी में लिखना शुरू कर दिया जाए तो सारे झगड़े मिट सकते हैं। एक बार मैंने कुछ विद्वानों से ये पूछा कि क्या देवनागरी में ये ताकत है कि सब भाषाओं का समावेश कर सके लिखित रूप में। उन्होंने कहा देवनागरी में ही ताकत है और किसी लिपि में ये ताकत ही नहीं है पूरी दुनिया में जो सब भाषाओं को वो समाविष्ट कर सके अपने आप। इस समय हमारे देश में मराठी भाषा देवनागरी में ही लिखी जाती है, हिंदी तो देवनागरी में लिखी ही जाती है, नेपाली भाषा देवनागरी में, संस्कृत तो लिखी ही जाती है। दुनिया की बहुत सारी भाषाएं और भारत में चलने वाली बहुत सारी भाषाएं अगर एक साथ देवनागरी में लिखी जाना शुरू हो जाए तो ये ताकत, ये क्षमता एक लिपि में है, दुनिया की दूसरी किसी लिपि में नहीं है। इसका हमें गर्व है, गौरव है, अभिमान है कि सारी दुनिया को हमने ऐसी लिपि दी है जो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक है, और भाषा ऐसी दी है जो सबसे प्राचीन है और सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि संस्कृत सबसे समृद्ध भाषा है तो इस भाषा में लिखा गया साहित्य भी सबसे ज़्यादा समृद्ध ही होगा। जब भाषा समृद्ध होती है तो भाषा का साहित्य भी समृद्ध होता है। तो संस्कृत भाषा में जितना साहित्य लिखा गया है पूरी दुनिया में शायद ही किसी भाषा में लिखा गया। फिर आप बोलेंगे दिखाई तो नहीं देता, ये दिखाई नहीं देता, वो हमारी लापरवाही का नतीजा है और हमसे कई सारी बड़ी भूलें हुई हैं। उनमें से एक बड़ी भूल ये हुई है कि अपने साहित्य को बचाकर हम नहीं रख सके पिछले 1000 वर्षों। हमारे साहित्य का बहुत नुकसान हुआ है पिछले 1000 वर्षों। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि विदेशी लुटेरों ने जब से भारत में आना शुरू किया तो भारत की संपत्ति को ही नहीं लूटा, यहाँ के साहित्य को भी लूटा, क्योंकि ज्ञान उसमें भरा पड़ा। तो हमसे साहित्य की साज संभाल नहीं हो पाई पिछले 1000 वर्षों में, वो काफी कुछ लूट गया। और कई विदेशी आक्रांता तो ऐसे आए जिन्होंने हमारे साहित्य को जला दिया। आपने सुना है तक्षशिला की कहानी, भारत की सबसे बड़ी पुस्तकालय की कितनी दुर्वस्था हुई थी कि उसको जला दिया गया था। और तक्षशिला की पुस्तकों को जला देने के बाद की कहानी ये है कि 6 महीने तक विदेशी आक्रांताओं ने उन किताबों के पन्नों को जला जला कर अपना पानी गर्म किया था। इतना बड़ा हमारा ज्ञान का भंडार था तक्षशिला विश्वविद्यालय,
जो 6 महीने तक जलता रहा था। 6 महीने तक जलता रहे, कल्पना करिए, लाखों करोड़ों पेज रहे होंगे जो 6 महीने तक जले होंगे। तो कई विदेशी आक्रांता और लुटेरे ऐसे आए कि उन्होंने हमारा साहित्य नष्ट किया। कई विदेशी आक्रांता और लुटेरे ऐसे आए जिन्होंने हमारा साहित्य लूट लिया। और कई आक्रांता और विदेशी ऐसे आए जिन्होंने हमारे साहित्य में तोड़ मरोड़ करके उसको ऐसा प्रस्तुत कर दिया कि वो हमको सबसे ज्यादा खराब दिखता है। जैसे वेदों की बात करें, हमारे जो मूल वेद है ना, वो भारत में अभी हम ढूंढने निकले तो मुश्किल से मिलते हैं। जब भी कहीं भारत में वेद की कोई प्रतिलिपि मिलती है और उसके बारे में छानबीन की जाती है तो पता चला वो मैक्स मूलर रचित है। और मैक्स मूलर एक ऐसा व्यक्ति था जो भारत के बारे में जानना तो चाहता था लेकिन आया कभी नहीं इस देश में। अपने घर में बैठे बैठे भारत के बारे में जो कुछ मिल गया उसको ज्ञान, वो उसने लिख दिया। वेदों को उसने पढ़ा पूरी रुचि से, संस्कृत सीखी उसके लिए, लेकिन बहुत सारी चीजें उसको समझ में नहीं आई वेदों में, तो उसको अपने तरीके से लिख मारा। और आज हमें वो दिखाई देती हैं तो हमको वो विरोधाभासी लगती हैं। वो विरोधाभासी होने का कारण ये है कि मूल ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ कर दी हमारे लोगों ने, शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ कर दी, ज्ञान के भंडार के साथ छेड़छाड़ कर दी। अगर हमारे मूल ग्रंथ वेदों को हम देखें और मैक्स मूलर रचित वेदों को देखें, या हमारे मूल दूसरे शास्त्रों को देखें, अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जो हमारी मूल मनुस्मृति है उसको हम पढ़ें और अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई मनुस्मृति को पढ़ें, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। मूल मनुस्मृति में जो बात कहीं नहीं है, अंग्रेजों द्वारा रचित मनुस्मृति में वही बातें हैं। याज्ञवल्क संहिता में न्याय सिद्धांत के बारे में जो बातें हैं मूल ग्रंथों में, अंग्रेजों ने एक याज्ञवल्क संहिता तैयार की, उसमें बिल्कुल उल्टा लिखवा दिया। तो हमारे शास्त्रों की कई तरीके से तोड़ मरोड़ हुई। एक तो जलाया गया, लूटा गया, और उसके बाद जो साहित्य विदेशियों के हाथ में पड़ गया उसमें अपना दिमाग लगाकर खुराफातें बहुत की हैं उन्होंने, बहुत कुछ मिलावट कर दिया। और वो मिलावटी चीजों को आज कोट किया जाता है सारी दुनिया में। जैसे वेदों में से कहीं से वाक्य निकाल कर ये कोट कर देते हैं, उपनिषदों में से निकाल के कोट कर देते हैं कि भारतवासी मांस खाते थे, गाय का मांस खाते थे। ऐसे कोटेशन हमारे यहाँ दे दिए जाते हैं और वेदों का कोई सूत्र या कोई श्लोक या उपनिषदों का कोई सूत्र या श्लोक उसके नीचे लिख दिया जाता है। वो सब मिलावट है, बाहर के लोगों द्वारा जोड़ा गया छेपक है और उसकी व्याख्या भी गलत है। तो हमारे देश में जो ज्ञान भंडार हमारे पास बहुत बड़ा रहा संस्कृत के आधार पर, इसमें बहुत नुकसान हो गया। ज्ञान हमारे यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा रहा है, क्योंकि भारत जो नाम है ना, वो एक रूप में ज्ञान का ही हिस्सा है। भा माने होता है ज्ञान और रथ माने होता है लगा हुआ। ज्ञान में रथ, ज्ञान में लगा हुआ देश ही है भारत। तो हमसे ज्यादा ज्ञान शायद ही किसी के पास होगा, लेकिन वो ज्ञान में पिछले 1500 वर्षों में बहुत कमी आई। या तो वो लुटा, या तो विदेशियों द्वारा जलाया गया, या तो उसमें उन्होंने अपने छेपक जोड़ दिए, मिलावट कर दी और वो हमारे सामने प्रस्तुत हो गया। ये आज हम सब भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती का काम है, बहुत बड़े शोध का काम है कि जो हमारे मूल शास्त्र रहे हैं, मूल हमारे ग्रंथ रहे हैं और जो मूल ज्ञान की बातें रही हैं, उनको पुनर्खोज करके देश के सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि ये जो मिलावट वाला हिस्सा है ये दूर हो सके और हमको शुद्ध ज्ञान मिल सके। चेले और चेलियां तो हमारे दादा दादी ही थे, नाना नानी थे, वो ऐसे ही दाल पकाते थे। अब उस दाल को पकने में थोड़ा समय लगता था, तो दाल को पकने में तो समय लगना ही चाहिए, क्योंकि आज का जो भौतिक विज्ञान कह रहा है ना, हजारों साल हमारे ऋषि मुनि वो कह गए। हमारे ऋषि मुनियों ने ये कहा, महर्षि भारद्वाज का एक सूत्र है, वो ये कहते हैं कि जो वस्तु खेत में जितनी देर में पकती है वो भोजन में भी उतनी देर में ही पकेगी। अब ध्यान दीजिएगा, दाल खेत में सबसे ज्यादा देर में पकती है। आपको मालूम है अरहर की दाल पकने में तो 6 महीना लग जाता है,
कोई कोई दालें पकने में 8 महीना लग जाता है। तो खेत में जो दालें देर में पकती हैं, घरों में भी वो देर में पकेंगी, ये महर्षि भारद्वाज कह गए हजारों साल पहले। यूरोप के वैज्ञानिक अब उसको स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ बात तो ये सही है, दाल तो देर में पके तभी पौष्टिकता दे सकती है, और पौष्टिकता के साथ साथ स्वाद भी वो तभी देती है जब धीमी 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 आँच पर पके। हमने वो जल्दी के चक्कर में कुकर लेके 10 मिनट में दाल पक जानी चाहिए उसको खाना शुरू किया है, और ये जोड़ों का दर्द फोकट में अपने शरीर में लेना शुरू कर दिया, डायबिटीज ले ली है, अर्थराइटिस ले लिया है, माने हमें पोषकता मिल नहीं रही है खाने की, क्योंकि महर्षि भागवत के सूत्र का पालन ही नहीं कर रहे हम। तो वो कहते हैं कि खाने बनाते समय पवन का स्पर्श, सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। यूरोप के वैज्ञानिक अब पहुंचे। मैंने ये बात थोड़ी विस्तार से इसलिए कही कि ऐसे सैकड़ों हजारों सूत्र हैं जिनको यूरोप के वैज्ञानिक अब सिद्ध कर पा रहे हैं, और हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले के। एक और सूत्र याद आता है तो आपको बताता हूं। हमारे ये जो ऋषि मुनियों के शास्त्र है ना, ग्रंथ है, भागवत जी का है अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रहम, या कोई दूसरा ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें एक अभ्यास होता, अध्याय होता स्वस्थ व्रत। उसमें एक सूत्र है उषा पान का, सुबह सुबह उठ के पानी पीने का, परम पूजनीय स्वामी जी भी आपको बताते रहे। इस पर जापान में सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है, आप हैरान हो जाएंगे, जापानियों ने अरबों डॉलर इस पे बहा दिया, एक सूत्र पर शोध करा है पिछले 40 साल, सवेरे उठकर पानी पीना। हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले फोकट में बता गए सवेरे उठ के पानी पियो, और हम पीते भी रहे और उसके फायदे हमको होते रहे। अब वो फायदे हमको हजारों साल पहले मालूम है, सुबह उठकर पानी पियो तो दो बड़े लाभ हैं। सबसे पहला लाभ है कि रात भर को मुंह की लार जो जमा हो गई वो अंदर गई, जो बहुत ज्यादा एल्केलाइन होती है, आप जानते हैं ये लार जो है ना क्षारीय होती है, और सुबह सुबह पेट में सबसे ज्यादा अम्ल तैयार होता है, तो सुबह की लार पेट में जानी ही चाहिए ताकि अम्ल को वो न्यूट्रलाइज करे। अम्ल और क्षार दोनों मिले तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो सुबह उठते ही पानी पी लिया, लार अंदर चली गई, अम्ल को उसने शांत कर दिया। और जिनके पेट का अम्ल शांत है उनके रक्त में अम्ल नहीं बढ़ेगा, और जिनके रक्त में अम्ल नहीं बढ़ेगा उनको सैकड़ों बीमारियां होने की दूर दूर तक संभावना नहीं, हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने समझाया। दूसरा फायदा ये कि सुबह उठते ही पानी पी लिया, वो पानी बड़ी आंत में पहुंच गया, बड़ी आंत की उसने सफाई की, और आप संडास घर में घुसे, टॉयलेट में घुसे, और 2-3 मिनट में फ्रेश होके बाहर आ गए। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जो लोग सबसे ज्यादा स्वस्थ होते हैं उनको संडास घर में सबसे कम समय लगना चाहिए। सबसे ज्यादा स्वस्थ होने की एक ही निशानी है कि टॉयलेट में आप कितनी जल्दी बाहर निकलते हैं। जो आधा पौना घंटा घंटा भर बैठ लिए तो आप सबसे ज्यादा बीमार आदमी है, 2-3-4 मिनट में गए और बाहर आ गए तो आप बहुत स्वस्थ आदमी है। तो ये स्वस्थ होने के लिए सुबह का पानी कितनी मदद करता है, ये दो बातें हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले कह के चले गए। अब जापानियों ने 40 साल इस पे रिसर्च किया और अरबों डॉलर फूंक दिए, अब वो दो ही बातें वो भी कह रहे हैं, यही बातें कह रहे हैं जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कह दी। इसी तरह से एक हमारे यहाँ पानी का नियम बताया गया, पानी बैठ के पियो, कभी भी खड़े होके मत पियो, पानी घूट घूट पियो, हमेशा सिप सिप करके पियो, ठंडा पानी कभी मत पियो। ये छोटे छोटे सूत्र हैं स्वस्थ व्रत के, इनको अगर हमने ध्यान दिया और इनको दुनिया भर में स्थापित कराया होता तो हम सारी दुनिया में अब तक विश्व विजय कर चुके होते। लेकिन हमारी समस्या क्या रही कि ये छोटे बातों को हमने माना ही नहीं कि कोई गहरी बात इसमें है। जब दुनिया के दूसरे देशों को हम देखते हैं कि वो अरबों डॉलर खर्च करके ये रिसर्च कर रहे हैं और फिर उस नतीजे पर आ रहे हैं जो नतीजा हजारों साल पहले हमारे यहाँ था, तब गर्व की अनुभूति होती है कि ये तो हमने जान रखा है, कर रखा है। पानी की चिकित्सा, स्वस्थ व्रत के छोटे छोटे सूत्र, जर्मनी और जापान दो देशों ने 40 साल अरबों डॉलर की खर्चा करके जो निष्कर्ष पाए हैं वो हमारे यहाँ हजारों साल पहले हैं। तो चिकित्सा में ज्ञान का भंडार सारी दुनिया के सामने सबसे पहले हमने ही प्रस्तुत किया। मैं आपको एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जो कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर सुनने से परेशान होता है, लेकिन वो सच है। वो ये है कि एलोपैथी 200-250 साल पुरानी चिकित्सा व्यवस्था है, इसने आज तक दुनिया को बस एक ही चीज दी है जिसको वो भी धीमे धीमे मानते हैं। वो कहते हैं सिर्फ दर्द से लड़ना और कुछ नहीं दिया, सिर्फ दर्द से लड़ना।
तरह तरह के जो दर्द है ना उनसे लड़ना। 250 साल की कुल रिसर्च एलोपैथी की इतनी ही है, पेन से लड़ रहे हैं वो और उसमें भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे। कैंसर के पेन में तो अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहे, दूसरे तरह के दर्दों में थोड़ी कामयाबी मिली है, बाकी नहीं है। तो पूरी कुल जमा उनकी शोध है, जितनी दवाएं उन्होंने बनाई हैं हजारों किस्म की, उनकी मदद से एक ही काम कर रहे हैं, दर्द की कमी या दर्द से लड़ना या दर्द पे काबू करना, इससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं है। मैं एलोपैथी चिकित्सा के एक पुराने उदाहरण को आपके सामने कहता हूं कि हमारी चिकित्सा कैसी रही और ये एलोपैथी की कैसे रही। अमेरिका में सबसे पहला राष्ट्रपति हुआ जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिका का जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ये जानकारी मिलेगी, हंसी आएगी आपको और आपको अपने ऊपर गर्व भी होगा, दोनों ही बातें हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन की कहानी आप सब पढ़िए। कहानी यह है कि वो अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बना। अमेरिका गुलाम था अंग्रेजों का, अंग्रेजों की गुलामी से अमेरिका आज़ाद हुआ और 1776 में उनको आज़ादी मिली और वो पहला राष्ट्रपति बना। और वो बीमार हो गया, बीमारी आती है यूरोप और अमेरिका में तो ज़्यादा ही बीमारी आती रही है, क्योंकि ठंड वाला इलाका है, सूरज का धूप है नहीं, सूरज का प्रकाश पर्याप्त है नहीं, इसलिए वायरल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा उन्हीं देशों में होते हैं और इसलिए एंटीवायरल जितनी भी मेडिसिन है सबसे ज़्यादा उन्होंने खोजी है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बहुत होते हैं क्योंकि धूप नहीं है, सूरज का प्रकाश नहीं है, तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स भी सबसे ज़्यादा उन्होंने ही बनाए। तो जिस देश में सबसे पहले एलोपैथी आई और या एलोपैथी सारी दुनिया में फैली, अमेरिका देश, उस अमेरिका के राष्ट्रपति को बुखार आ गया। जॉर्ज वॉशिंगटन बुखार में बीमार हो गया। अब बीमार हो गया तो उनके सारे चिकित्सक देश भर के और दुनिया भर के इकट्ठे होकर विचार करें कि इनका बुखार कैसे खत्म किया जाए, और जॉर्ज वॉशिंगटन का वो बुखार कम नहीं कर पाए। बुखार बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, कम ना हो, कम ना हो। तो अंत में ये सब एलोपैथी के बड़े बड़े डॉक्टरों ने आपस में मिलके एक फैसला किया, इसमें आप हंसना नहीं, गंभीरता से इसको लेना, कि जॉर्ज वॉशिंगटन के शरीर में खराब खून घुस गया है, इसको निकाला जाए तभी बुखार ठीक होगा। तो पता है उन महान भावों ने क्या किया, अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथ पर बांध दिए पलंग से, हाथ बांध दिया, दोनों पांव बांध दिए, रस्सी से कस के बांध दिए, और वो राष्ट्रपति चिल्ला रहा है कि ये क्या चिकित्सा कर रहे हो, तो कह रहे यही एलोपैथी की चिकित्सा है, थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, हम आपको ठीक कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, महान महान डॉक्टरों ने उनकी नसें काट दी, हाथ की, दोनों हाथ की नसें काट, ब्लेड लिया और काट दिया, और बेचारा राष्ट्रपति दर्द से तड़प रहा, चिल्ला रहा और उसके दोनों हाथों की नसें काट दी। और तर्क क्या है कि ये खराब खून घुस गया है, ये निकालना है। तो खराब के साथ अच्छा खून भी रात भर निकलता रहा और सवेरे जॉर्ज वॉशिंगटन मर गया। ये है एलोपैथी चिकित्सा। और ये कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है, 1776 के आसपास की है, जिस समय एलोपैथी चिकित्सा में बुखार ठीक करने के लिए नसें और नाड़ियां काटी जाती थी खराब खून निकालने के लिए। उस समय भारत में बड़े से बड़ा बुखार ठीक करने के लिए नीम की गिलोय का काढ़ा पिला के लोगों को ठीक किया जाता। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे यहाँ खराब से खराब ज्वर, खराब से खराब बुखार को तोड़ने के लिए नीम की गिलोय है, ये तो एक है, ऐसी सैकड़ों चीजें अपने पास आयुर्वेद में है, बुखार तोड़क या बुखार नाशक, या जिनको हम एलोपैथी की भाषा में कहें एंटीपायरेटिक। तो एंटीपायरेटिक हमारे पास सैकड़ों चीजें हैं, उनमें से सबसे आसान, हर जगह मिलने वाली, सबसे ज्यादा उत्पादन होने वाली नीम की गिलोय, गुड़वेल के नाम से, गिलोय के नाम से सारा देश जानता है, उसका काढ़ा पिला के हम बड़े सा बड़ा बुखार सवेरे से शाम तक ठीक कर लेते थे। उसी समय में अमेरिका में बुखार ठीक करने के लिए नसें काटी जाती थी, खून निकाला जाता था। ये अंतर है आयुर्वेद और एलोपैथी में, और उसमें से एलोपैथी आगे बढ़ी है और आज सिर्फ वहीं पर आके खड़ी है कि दर्द से लड़ना या दर्द को कम करना, इतने में ही उनको सफलता मिली है, इसके अलावा तो उनके पास कुछ नहीं है सफलता के खाने में। अब हमारे पास एक नहीं हजारों लाखों चीजें हैं दुनिया को बताने के लिए। तो हम एक बड़ी चिकित्सा पद्धति के
सारे दुनिया में फैलाने वाले प्रसारक रहे हैं, प्रचारक रहे हैं, और सारी दुनिया ने हमसे सीखा है। यूनानी पद्धति एक विकसित हुई है, दुर्भाग्य से हम उसको मुसलमानों से जुड़ा हुआ मान लेते हैं, उसका मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है। वो यूनान में विकसित हुई इसलिए नाम उसका यूनानी पड़ गया। यूनानी पद्धति के जितने शोधक हुए हैं, रिसर्चर्स हुए, वो सब ईमानदारी से कहते हैं कि हमने तो सब आयुर्वेद से सीखा है, संस्कृत में से सीखा है, चरक में से सीखा है, बाघभट्ट जी के यहाँ से सीखा है, भाव प्रकाश निघंटू में से सीखा है। ईमानदारी से वो कहते हैं इस बात को। और उनके औषधि बनाने के जो तरीके हैं ना, वो तरीके बिल्कुल वही हैं, बस थोड़ा अंतर इतना ही है, यूनान की आवो हवा के हिसाब से, यूनान की जलवायु और परिस्थिति के हिसाब से भारत के सूत्रों में थोड़ा उन्होंने फेर बदल किया है, बाकी सब वही है। तो दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति यूनानी चिकित्सा, वो आयुर्वेद में से निकली। सबसे मूल चिकित्सा तो आयुर्वेद की है, मूल सर्जरी हमारे यहाँ सुश्रुत की है, और नियम वगैरह जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज की दुनिया में, वो महर्षि बागभट्ट के अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम के। एक मैं रोचक बात आपसे कहना चाहता हूँ, एक अंग्रेजों के दस्तावेज के आधार पर कहना चाहता हूँ, वो ये कि प्लास्टिक सर्जरी जो आज की दुनिया की सर्जरी की आधुनिकतम विद्या है, प्लास्टिक सर्जरी, इसका आविष्कार भी भारत में ही हुआ। सर्जरी का तो हुआ ही है, प्लास्टिक सर्जरी का भी यही आविष्कार हुआ भारत। और प्लास्टिक सर्जरी में आप जानते हैं, कहीं की त्वचा को काट कर कहीं लगा देना और उसको इस तरह से लगा देना कि पता ही ना चले, ये विद्या सबसे पहले दुनिया को भारत ने दी। मैं आपको पुराने दस्तावेजों के आधार की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। 1780 में दक्षिण भारत का एक महान व्यक्ति, जिसने देश को आज़ाद रखने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया, देश की आज़ादी की रक्षा में, संप्रभुता की रक्षा में उसका पूरा जीवन लगा दिया, उसका नाम हैदर अली। हैदर अली दक्षिण भारत का सम्राट, आज हम जिसको कर्नाटक कहते हैं, कर्नाटक के एक बड़े भूभाग पर हैदर अली का राज्य हुआ करता था। 1780 से 84 के बीच में अंग्रेजों ने हैदर अली पर हमले किए, कई बार हमले किए। तो एक हमले का जिक्र एक अंग्रेज की डायरी में से निकला, वो मैं सुना रहा हूँ आपको। एक अंग्रेज आया, उसका नाम था कर्नल कूट, उसने हैदर अली पे हमला किया, और ये 1780 की घटना है। उस हमले में हैदर अली ने अंग्रेजों को परास्त कर दिया। हैदर अली का ये इतिहास रहा कि जब जब अंग्रेजों ने हैदर अली पर हमला किया, हैदर अली ने हर बार अंग्रेजों को हराया, एक बार भी अंग्रेज कभी उससे जीत नहीं पाए, एक बार भी नहीं जीते। हर बार आते थे, हमला करते थे, हार के चुपचाप चले जाते थे। हैदर अली के ऊपर जब बार बार अंग्रेजों के हमले हुए तो हैदर अली को थोड़ा गुस्सा आ गया। तो ये जो कर्नल कूट आया, हमला किया, हैदर अली ने उसको हरा दिया, और चूंकि उसको थोड़ा गुस्सा था अंग्रेजों से, तो उसने कर्नल कूट की नाक काट दी। हमारे भारत में नाक कटना सबसे बड़ी बदनामी होती थी। आप जानते हैं, पूरे रामायण की कहानी नाक कटने की कहानी है। जो सुपड़खा की नाक न कटी होती तो रामायण नहीं होती। और नाक कटना सबसे बड़ी बदनामी है। तो हैदर अली ने गर्दन तो नहीं काटी उसकी, कर्नल कूट की, वो चाहता तो गर्दन काट सकता था क्योंकि कर्नल कूट पराजित हुआ था। कर्नल कूट अपनी डायरी में लिखता है कि मैं पराजित हो गया, हैदर अली के सैनिकों ने मुझे बंदी बना लिया और हैदर अली के पास मुझे ले गए। हैदर अली सिंहासन पर बैठा था, मैं उसके नीचे चरणों में बैठा था, वो चाहता तो मेरी एक झटके में गर्दन काट देता, लेकिन उसने गर्दन नहीं काटी, मेरी नाक काट दी और फिर मुझे छोड़ दिया कि जाओ अब कटी हुई नाक लेके जाओ और सबको बताओ कि तुम्हारी नाक क्यों कटी। तो कर्नल कूट लिखता है कि मुझे एक घोड़ा दे दिया उसने भागने के लिए, नाक काट के मेरे हाथ में रख दी और कहा भाग जाओ। तो मैं घोड़े पर बैठ के भागा, भागते 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 एक जगह वो लिखता है मैं बेलगाम में आ गया। बेलगाम आप जानते हैं कर्नाटक का एक जिला। तो बेलगाम में आ गया, तो बेलगाम में एक वैद्य ने मुझे देखा, नाक से खून निकल रहा है, कटी हुई नाक हाथ में है। तो वैद्य ने कहा ये तुम्हारी नाक कहाँ कट गई, तो उसने झूठ बोला और कहा कि पत्थर मार दिया किसी ने। तो वैद्य ने कहा ये पत्थर मारी हुई नाक नहीं है, ये तलवार से काटी हुई नाक है, मैं वैद्य हूँ, मैं चिकित्सक हूँ, मैं जानता हूँ।
तो उसने सच बताया कि मेरी नाक काटी गई है। किसने काटी? तुम्हारे राजा ने काटी, हैदर अली ने काटी। क्यों काटी? मैंने युद्ध किया उससे, मैं हार गया, उसने मेरी नाक काटी। तो वो वैद्य कहता है कि अब तुम क्या करोगे, कटी नाक से इंग्लैंड जाओगे, लंदन जाओगे? कहता है जाने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, जाना ही पड़ेगा। तो वो वैद्य इतना दयालु, इतना कृपालु, वो कहता है कि मैं तुम्हारी नाक जोड़ सकता हूं। तो कर्नल कूट कहता है मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ, ये नाक कैसे जुड़ सकती है कटी हुई, मैंने तो सुना नहीं अपनी जिंदगी में कि एक बार शरीर का कोई अंग कट जाए तो वो जुड़ सकता है। तो वैद्य जी कहते मैं जोड़ सकता हूँ। तो कर्नल कूट ने कहा जोड़ दो। तो उसने कहा मेरे घर चलो। तो वैद्य जी उसको ले गया और ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन का 30 पन्ने में वर्णन, वो 30 पन्ने तो नहीं सुना सकता, अंत में सुना रहा। ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया, नाक उसकी जुड़ गई। वैद्य जी ने उसको एक लेप दे दिया बना के और कहा कि ये लेप ले जाओ, रोज सुबह शाम लगाते रहना। वो लेप लेके चला गया। 15-17 दिन के बाद बिल्कुल नाक उसकी जुड़ गई। फिर वो जहाज में बैठ के लंदन चला गया। 3 महीने बाद वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़ा होके भाषण दे रहा है कर्नल कूट, और सबसे पहला सवाल पूछता है सब अंग्रेजों से, आपको लगता है मेरी नाक कटी हुई है? तो सब अंग्रेज हैरान होके कहते नहीं नहीं तुम्हारी नाक तो कटी हुई बिल्कुल नहीं दिखती। तब वो कहानी सुना रहा ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि मैंने हैदर अली पे हमला किया था, मैं उसमें हार गया, उसने मेरी नाक काटी, फिर भारत में एक वैद्य ने मेरी नाक जोड़ी, और भारत के वैद्यों के पास इतनी बड़ी हुनर है, इतना बड़ा ज्ञान है कि वो कटी हुई नाक को जोड़ सकते हैं। तब उस वैद्य जी की खोज खबर ब्रिटिश पार्लियामेंट में ली गई और अंग्रेजों का एक दल आया और बेलगाम के उस वैद्य को मिला। तो उस वैद्य ने अंग्रेजों को बताया कि ये काम तो भारत के सब गांव में होता है, मैं अकेला नहीं हूं, ऐसा करने वाले हजारों लाखों लोग हैं। तो अंग्रेजों को हैरानी हुई कौन सिखाता है आपको? कहने लगे हमारे इसके गुरुकुल चलते हैं, उन गुरुकुलों में सिखाया जाता। फिर अंग्रेज वो गुरुकुलों में गए, वहां उन्होंने एडमिशन लिया, विद्यार्थी के रूप में भर्ती हुए, फिर सीखा। सीखने के बाद इंग्लैंड में जाकर प्लास्टिक सर्जरी उन्होंने शुरू की। और जिन जिन अंग्रेजों ने भारत में प्लास्टिक सर्जरी सीखी है ना, उनकी डायरियां हैं। एक अंग्रेज का मैं बताता हूं आपको, वो कहता है कि जब मैंने पहली बार प्लास्टिक सर्जरी सीखी, जिस गुरु से सीखी वो भारत का विशेष आदमी था और वो नाई था जाति का, उसने मुझे सिखाई सर्जरी। ध्यान देना इस बात पर, जाति का नाई, जाति का चर्मकार, जाति का कोई और, हमारे यहां ये ज्ञान के बड़े पुलिंदे थे, ज्ञान के बड़े पंडित थे। नाई है इस आधार पर किसी गुरुकुल में उसका प्रवेश वर्जित नहीं था, चर्मकार है इसलिए गुरुकुल में प्रवेश वर्जित नहीं था। जाति के आधार पर हमारे यहाँ गुरुकुलों में प्रवेश नहीं हुआ है, और जाति के आधार पर हमारे यहाँ शिक्षा की भी व्यवस्था नहीं है, वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमारे यहाँ सब कुछ चलता रहा है। तो नाई भी सर्जन है, चर्मकार भी सर्जन है। और वो अंग्रेज लिखता है कि चर्मकार तो ज्यादा अच्छा सर्जन इसलिए हो सकता है कि उसको चमड़ा सिलना सबसे अच्छे तरीके से आता है। तो शरीर का चमड़ा सिलना हो या जानवर का, बात तो एक ही है। तो हमारे यहां ऐसे लोग सर्जरी सीखते रहे। तो एक अंग्रेज कह रहा है कि मैंने जिस गुरु से सर्जरी सीखी, पूना का किस्सा है वो, पूना में जिस गुरु से सीखी वो जात का नाई था, सिखाने के बाद उसने मुझसे एक ऑपरेशन कराया, और वो ऑपरेशन का वर्णन है। एक मराठा सैनिक है, और ये 1792 की कहानी है, एक मराठा सैनिक है, उसके दोनों हाथ कट गए हैं युद्ध में, और वो उस गुरु के पास आया है कटे हुए हाथ लेकर जोड़ने के लिए। तो गुरु ने वो ऑपरेशन उस अंग्रेज से करवाया जो सीख रहा है, और वो अंग्रेज गुरु के साथ मिलकर बहुत सफलतापूर्वक ऑपरेशन पूरा किया है। और वो अंग्रेज कहता, उसका नाम है डॉक्टर थॉमस क्रूसो, वो अंग्रेज कहता है कि मैंने मेरे जीवन में इतना बड़ा ज्ञान किसी गुरु से सीखा, और इस गुरु ने मुझसे एक पैसा नहीं लिया, फीस नहीं ली, ये मैं बिल्कुल अचंभा मानता हूं, आश्चर्य मानता हूं। और थॉम क्रूसो ये सीख के गया है। फिर उसने प्लास्टिक सर्जरी का स्कूल खोला, और उस प्लास्टिक सर्जरी के स्कूल में फिर अंग्रेज सीखे हैं, और अंग्रेजों ने सीख सीख कर फिर दुनिया में फैलाया है। दुर्भाग्य इस बात का है कि सारी दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी के उस स्कूल का तो वर्णन है, लेकिन इन वैद्यों का वर्णन अभी तक नहीं आया विश्व ग्रंथों में, जिन्होंने अंग्रेजों को प्लास्टिक सर्जरी सिखाई थी। और ये क्यों हम रह गए वंचित?
हुआ ये कि 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में जब सारी दुनिया में ये रिकॉर्डिंग चल रही थी कि किस देश से क्या आया, किस देश ने दुनिया को क्या दिया, इसके लिए सारा भंडारण हो रहा था, ग्रंथालय बन रहे थे, उस समय चूंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे इसलिए हम प्रयास नहीं कर पाए और वहां तक पहुंच नहीं पाए। तो अब हमें ये करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, सारी दुनिया में जाकर अपने द्वारा दी गई खोजों को स्थापित कराना पड़ेगा, उनका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जरूरत पड़नी है तो उस पर पेटेंट लेना पड़ेगा, और जरूरत पड़ेगी तो वर्ल्ड पेटेंट लेना पड़ेगा, विश्व पेटेंट लेना पड़ेगा, और पूरी दुनिया में इस ज्ञान को स्थापित कराने के लिए मुझे लगता है कि भारत स्वाभिमान से अच्छा दूसरा कोई अभियान नहीं होगा। हम इस काम को सारी दुनिया में कराएंगे। एक और रोचक जानकारी देता हूं चिकित्सा से संबंधित। 1710 के साल में एक अंग्रेज भारत आया, उसका नाम था डॉक्टर ओलिवर। ये भारत में आके कलकत्ता में आया, कलकत्ता में इसने घूमा, बंगाल घूमा, और घूमते हुए इसने एक डायरी लिखी है। उस डायरी के पन्ने का एक पैराग्राफ सुनाऊंगा आपको। वो ये कहता है कि मैंने भारत में आकर पहली बार देखा कि चेचक जैसी महामारी को कितने आसानी से भारतवासी ठीक कर लेते हैं। आपको मालूम है 17वीं शताब्दी में सारी दुनिया में एक महामारी फैली थी जिसको चेचक कहते हैं। इसमें एक बड़ी चेचक होती थी, एक छोटी चेचक होती थी। अफ्रीका में लाखों लोग मर गए थे इसके कारण, लैटिन अमेरिका में लाखों लोग मरे थे इस बीमारी से। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के हिस्से में लाखों, शायद करोड़ों भी हो सकते हैं, मरे थे 17वीं शताब्दी के आसपास। ये बीमारी फैली थी, महामारी थी, बीमारी नहीं थी। उस दौरान ये अंग्रेज आया भारत में जिसका नाम था डॉक्टर ओलिवर। वो आया कलकत्ता में तो वो देखता क्या है कि भारतवासी चेचक की बीमारी को लड़ने के लिए टीका लगाते हैं। और वो कहता है कि मैंने दुनिया में पहली बार देखा। और डॉक्टर ओलिवर का नाम बहुत बड़ा नाम है इंग्लैंड, इंग्लैंड के लोग उसको बहुत इज्जत से याद करते हैं, डॉक्टर ओलिवर को। तो वो कहता है मैंने पहली बार आके देखा भारत जैसे देश में चेचक का टीका लग रहा है। और चेचक का टीका लगाने का उसने अपनी डायरी में वर्णन किया है। तो वो लिखता है कि मैं आया कलकत्ते में 1710 के साल में और मैंने देखा कि भारत में उस समय चेचक की बीमारी सबसे कम है, दुनिया के देशों में सबसे ज्यादा है और यहां सबसे कम। तो इसने कहा कि मैंने खोजना शुरू किया कि यह बीमारी भारत में सबसे कम क्यों है, तो पता चला हर भारतवासी ने चेचक का टीका लगवा रखा है। तो उसका वो वर्णन करता है कि चेचक का टीका एक सुई जैसी वस्तु से लगाया जाता था और वो 3 दिन में किसी भी व्यक्ति को चेचक के प्रति ताकतवर बनाता था, प्रतिकारक शक्ति उसकी दे देता था। और उसके बारे में वो लिखता है कि 3 दिन टीका लगाकर उस व्यक्ति को थोड़ा बुखार आता था, उसके बुखार को ठीक करने के लिए पानी की पट्टियां रखी जाती थी पेट में, 3 दिन में वो व्यक्ति ठीक हो जाता था। एक बार टीका जिसने ले लिया जिंदगी भर के लिए वो चेचक से मुक्त हो जाता था। वो कहता है कि इतना अद्भुत टीका मैंने दुनिया में पहली बार देखा भारत में। और ये कहानी है 1710 की। अब आपको एक हैरानी होगी जानकर, अंग्रेजों ने चेचक का टीका लगाना भारत से सीखा, ये डॉक्टर ओलिवर सीख के गया कलकत्ता से, लंदन गया, लंदन में इसने डॉक्टरों की सभा बुलाई और उनको कहा कि आपको मालूम है हम चेचक से मर रहे हैं और भारतवासी चेचक से लड़ रहे हैं, उनके पास टीका है इसका। तो कोई अंग्रेज मानने को तैयार नहीं इसकी बात को, वो कहते हैं कि गप मार रहे हो। तो वो कहता है मेरे खर्चे से सबको लेके चलता हूं। तो दोबारा फिर आया, अपने साथ कई अंग्रेज डॉक्टरों को लेके आया और कलकत्ता के कई इलाकों में घुमाया उनको और दिखाया कि देखो कैसे घर घर में जाके टीका लगाते हैं चेचक का, और बस एक छोटी सी सुई उसको मामूली सा चुभाते हैं, बस उतने में ही इम्यूनिटी होती है 3 दिन के अंदर। फिर उन्होंने पूछना शुरू किया कि इसमें है क्या, तो वो कहते हैं जो भारत में चेचक का टीका लगाने वाले वैद्य है ना, वो बताते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, जिनको चेचक हो जाती है उनके शरीर का जो पस होता है
वो हम निकाल लेते हैं और सुई की नोक के बराबर किसी के शरीर में प्रवेश करा देते हैं और फिर शरीर उसकी इम्यूनिटी धारण कर लेता है। ये सिद्धांत हमारा है जो दुनिया को हमने दिया। आजकल आधुनिक विज्ञान सिखाता है ना ये टीके के बारे में, पल्स पोलियो अभियान एक चल रहा है, फिर स्मॉल पॉक्स के खिलाफ, फिर ये बड़ी माता के खिलाफ, फिर इसके खिलाफ, फिर बहुत सारा टाइफाइड के खिलाफ जो चलता रहता है और जगह जगह टीके लगाते रहते हैं। ये टीके लगना सारी दुनिया को भारत ने सिखाया है और टीके के पीछे का जो दर्शन है कि आप जिस बीमारी से लड़ना चाहते हैं उसी बीमारी के जीवाणु को आप शरीर में प्रवेश कराइए ताकि शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र उसका मजबूत हो जाए, यह सिद्धांत पूरी दुनिया को हमने दिया। बस दुर्भाग्य हमारा यह है कि इस सिद्धांत का जब दुनिया के वैज्ञानिकों के स्तर पर पंजीकरण हो रहा था, रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तब हम वहां हाजिर नहीं थे और इसलिए हमारे नाम से ये दर्ज होने से वंचित रह गया। ये डॉक्टर ओलिवर के नाम से वहां दर्ज है, दुनिया भर के जो रिकॉर्ड्स है ना उनमें डॉक्टर ओलिवर के नाम से ये वर्णित है और डॉक्टर ओलिवर अपनी डायरी में लिख रहा है कि मैंने कलकत्ता में आके सीखा है इसको। तो डॉक्टर ओलिवर के पहले ये चेचक के बारे में अगर लिखना होगा तो उन वैद्यों के बारे, और डॉक्टर ओलिवर अपनी डायरी में लिखता है कि ये जो वैद्य है इनको मैंने पूछा कि आपको किसने सिखाया, तो वो कहते हैं हमारे गुरु ने सिखाया। उनको किसने सिखाया, उनके गुरु ने सिखाया। तो कहता है कम से कम भारत में पिछले 1500 साल से ये टीका लग रहा है और ये बात है 1710 के आसपास। वो कहता है 1500 साल से कम का इतिहास नहीं निकलेगा भारत में चेचक के टीके का। और अंत में वो कहता है कि भारत के ये जो वैद्य है ये इनको प्रणाम करना चाहिए, इनका वंदन करना चाहिए, इनका अभिनंदन करना चाहिए कि निशुल्क रूप से ये सेवा देने के लिए एक एक घर में जा रहे हैं और लोगों को चेचक जैसी महामारी से बचा रहे हैं। हम अंग्रेजों को इन्होंने बिना किसी शुल्क के ये ज्ञान सिखाया है, हम इनके जितने ज्यादा आभारी हो सके उतना अच्छा होगा, ये डायरी के अंत में लिखता है। लेकिन दूसरे अंग्रेज उसकी डायरी का ये अंतिम हिस्सा गायब करके उसको अपने नाम से प्रकाशित करवाते हैं और सारी दुनिया आज ये मान के बैठी है कि चेचक के टीके का आविष्कारक डॉक्टर ओलिवर था, वो भारत था, ओलिवर ने आके यहां सीखा था। और एक दो रोचक बातें मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे भारत के बारे में, जो दुनिया की हमने दिया है, क्या क्या हमने दिया है दुनिया को। थोड़ा तकनीकी पे आता हूं, लोहा बनाने की जो टेक्निक है वो पूरी दुनिया को भारत ने सिखाई है। और लोहे से भी एक अच्छा शब्द अगर मैं बोल सकूं तो स्टील बनाने की जो तकनीक है वो सारी दुनिया को हमने सिखाई है। ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व है, आपको भी थोड़ी देर में ये गर्व की अनुभूति होगी। सारी दुनिया को स्टील बनाना सबसे पहले भारत ने सिखाया, दुनिया में सबसे पहले स्टील भारत में बना। और स्टील आप जानते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है। आज अगर आप स्टील बनाने की किसी भी फैक्ट्री को देखने जाएं और उस टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कच्चे लोहे से, लोहे के अयस्क से, आयरन ओर से स्टील बनाना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। और वो टेक्नोलॉजी इस देश में बहुत साल पहले विकसित हुई है। एक अंग्रेज आया हमारे देश में जिसने सर्वेक्षण किया 1795 में। उस अंग्रेज के सर्वेक्षण के कुछ वाक्य सुनाता हूं आप, अंग्रेजी में उसने लिखा, मैं आपको हिंदी में सुना रहा। वो कहता है कि भारत में स्टील बनाने का काम पिछले 1500 साल से हो रहा है। 1795 माने 1800 मान लो और 1800 से 1500 साल घटा दो तो तीसरी शताब्दी से, ईसा के जन्म के 300 साल के बाद क्या समय निकलता है, तीसरी शताब्दी से इस देश में स्टील बनाने का काम हो रहा है। वो कहता है कि मैंने जो सर्वेक्षण भारत में किया है, भारत का पश्चिमी इलाका, पश्चिमी भारत आप जानते हैं ये महाराष्ट्र, ये गुजरात और थोड़ा मध्य प्रदेश का इलाका, और वो कहता है भारत का पूर्वी इलाका बंगाल है, आसाम है, उड़ीसा है, झारखंड उसमें आता है, और थोड़ा सा दक्षिणी इलाका, तीन इलाके की बात कर रहा है,
तो इन तीन इलाकों में मैं घूमा हूं और अब तक मैंने भारत में स्टील बनाने के 15,000 छोटे फैक्ट्री चलते देखे, अपनी आंखों की वर्णन कर रहा हूं। कह रहा अब तक मैं घूमा हूं इतने इलाके में 15,000 छोटी फैक्ट्रियां, स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज उसने लिखा है, 15,000 छोटी फैक्ट्रियां स्टील बनाने की भारत में चल रही हैं 1795। और वो कहता है कि हर फैक्ट्री में एक दिन में 500 किलो तक स्टील आराम से बनता है। और वो कहता है कि हर एक फैक्ट्री 24 घंटे चलती है और उसमें मजदूरों की तीन पालियां हैं, 8-8 घंटे की तीन पाली में काम होता है, 24 घंटे फैक्ट्री चलती है। और ये फैक्ट्री को जो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण लगता है वो लोहा गलाने वाली भट्टी है, जिसको आज हम अंग्रेजी में कहते हैं ना ब्लास्ट फर्नेस। कच्चा लोहा है, वो ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है, फिर ब्लास्ट फर्नेस में तापमान बढ़ाया जाता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान पहुंचता है तब लोहा पानी की तरह से उबलता है, फिर उसको निकाला जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, फिर उसमें निकिल क्रोमियम जैसी चीज़ें मिला के स्टील तैयार होता। तो वो कह रहा है कि जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्री का उपकरण है वो है भट्टी, ब्लास्ट फर्नेस। और वो कहता है कि मैंने हिसाब निकाला है कि भारत में स्टील बनाने वाली किसी भी फैक्ट्री की जो ब्लास्ट फर्नेस है उसको बनाने का खर्चा सिर्फ 15 रुपए आता है। और ये 15 रुपए का आंकड़ा है 1795 का। आज के हिसाब से अगर आप इस आंकड़े को समझने की कोशिश करेंगे तो 300 का गुणा कर दीजिए, तो 15 में 300 का गुणा कर दीजिए तो 15 × 3 = 45, माने 4,500 रुपए में ब्लास्ट फर्नेस बनके तैयार हो जाती है। फिर वो कह रहा है कि एक ब्लास्ट फर्नेस एक दिन में आराम से 1 टन लोहा बना लेती है, स्टील बना लेती है। और वो कहता है कि 1 टन स्टील बनाने में भारत के जो कारीगर हैं उनका खर्चा मात्र 80 रुपए आता है। 1 टन का माने हो गया 1,000 किलोग्राम, 1,000 किलोग्राम स्टील बनाने का खर्चा 80 रुपए। तो आप जरा कल्पना करिए 1 किलो स्टील बनाने का खर्चा 80 पैसे। और आपको मालूम है इस समय 1 किलो स्टील कितने में बनता है? 40 रुपए। 1795 में हम भारतीय तकनीक से स्टील बनाते थे तो 1 किलो स्टील बनाने का खर्चा 80 पैसे आता था। अब यूरोप के देशों की नकल करी हुई तकनीक से हम स्टील बनाते हैं और 1 किलो स्टील बनाने का खर्चा आता है 40 रुपए। आप बताओ टेक्नोलॉजी वो सुपर्व थी या आज की सुपर्व? और आगे लिखता है वो कि हमारे देश में ये स्टील बनने में जो छोटी फैक्ट्रियां हैं वो 10 घंटे लगाती हैं और 10 घंटे में स्टील बनके तैयार हो जाता है। और वो कहता है कि सभी 15,000 जो स्टील बनाने की फैक्ट्रियां हैं इनमें एक दिन में 7,500 मीट्रिक टन लोहा बनता है और एक साल में लगभग 27,500,000 मीट्रिक टन लोहा तैयार होता है, माने स्टील तैयार होता है। और इस स्टील की सरिया बनती है और ये सरिया भारत से यूरोप में बिकने के लिए जाती है और भारत का स्टील यूरोप के बाजारों में प्रीमियम प्राइस पर बिकता है, माने सबसे महंगी कीमत पर बिकता है, क्योंकि भारत के स्टील की तुलना में दुनिया का कोई स्टील ठहरता नहीं। और अंत में वो लिख रहा है अपनी डायरी में कि भारत का स्टील यूरोप के बाजारों में जब बिकता है तो भारत के व्यापारी उस स्टील के बदले में अगर सोने की मांग करें तो भी व्यापारी सोना देने को तैयार होते हैं, क्योंकि उस क्वालिटी का स्टील दुनिया में कोई नहीं बना सकता। और वो कई बातें कह रहा है, एक बात कह रहा है कि भारत के स्टील को प्रीमियम प्राइस क्यों मिल रहा है दुनिया के बाजार में, तो कहता है कि भारत का स्टील ऐसा अद्भुत है जिसमें जंग नहीं लगता। और आप जानते हैं भारत में इस तरह का स्टील बनाने की हजारों साल से परंपरा है जिसमें जंग नहीं लगता। आप जाइए मेहरौली नाम का एक गांव है दिल्ली में, उसे देखकर आइए, वहां एक लौह स्तंभ खड़ा हुआ है, सैकड़ों साल से बारिश में भीग रहा है और सैकड़ों साल से हवा के थपेड़े खा रहा है, लेकिन उस लौह स्तंभ में 1 इंच मात्र अभी तक जंग नहीं लगा है। ये भारतीय स्टील की क्वालिटी का नमूना है।
तो जो अंग्रेज कह रहा है ना कि भारत का स्टील प्रीमियम प्राइस पे बिकता, वो कहता है इसलिए बिक रहा है क्योंकि ये सबसे अच्छी क्वालिटी का है। और वो कहता है कि दुनिया में भारत के बाद अगर सबसे अच्छा स्टील कोई बना सकता है तो वो स्वीडन है, लेकिन स्वीडन में स्टील बनाने का खर्चा भारत में स्टील बनाने के खर्चे से 100 गुना ज्यादा आता है। हम 80 रुपए का 1 टन स्टील बना लेते हैं और स्वीडन में 8,000 रुपए का 1 टन स्टील उस समय बनता है 1795। और वो कहता है कि भारतवासियों को अपनी इस कला पर और अपनी इस हुनर पर गर्व होने की जरूरत है कि सारी दुनिया में जब कोई नहीं जानता वो तकनीक उनको आती है। और अंत में वो कहता है कि भारत की जो स्टील बनाने की ब्लास्ट फर्नेस है, जो भट्टी है, वो इतनी हल्की है कि उसको बैलगाड़ी में रख के कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, दूसरे से तीसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। वो कहता है ये पोर्टेबल है, मूवेबल है, जबकि यूरोप के देशों की जो भट्टियां हैं वो स्थाई हैं, उनको उखाड़ कर कहीं नहीं ले जा सकते, अगर उखाड़ना पड़ता है तो भट्टी टूट जाती है। लेकिन भारतवासी इतने हुनरमंद है, इतने कौशल वाले हैं कि भट्टी बनाते हैं उसको बैलगाड़ी में रख के एक गाँव से दूसरे गाँव ले जाते। और फिर वो कहते हैं कि ये भारतवासियों को कितना ज्ञान है कि एक साधारण सी भट्टी में 1400 डिग्री तापमान पैदा कर लेते हैं। आप जानते हैं 1400 डिग्री तापमान पैदा करना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, और ये भी तब 17वीं शताब्दी में। आज तो हम बिजली की मदद से चाहें तो 2000 डिग्री 3000 डिग्री तक जा सकते हैं, लेकिन जब बिजली नहीं थी तब हम 1400 डिग्री का तापमान पैदा कर सकते थे। और वो कहता है कि इसके लिए एक सबसे बड़ा कारण है कि भारत में सबसे अच्छे किस्म का लोहा मिलता है और सबसे अच्छे किस्म का कोयला मिलता है, उस कोयले और लोहे के सम्मिश्रण से ये स्टील बनता है। कोयला 1400 डिग्री तापमान पैदा कर देता है और लोहा उसमें गल जाता है और स्टील बना देता है। तो स्टील बनाना सारी दुनिया को हमने सिखा। ये जो अंग्रेज है जो आया भारत में सर्वेक्षण किया, इसने सीखा और सीखने के बाद ये लंदन गया। लंदन में जाके इसने एक स्कूल खोला, मेटलर्जी का स्कूल खोला, उसमें स्टील बनाना अंग्रेजों को सिखाया और फिर दुर्भाग्य से इसी के नाम से दर्ज हो गया कि स्टील का सबसे पहला बनाने वाला ये अंग्रेज। लेकिन उसने भारत से सीखा है, ये बात अभी दर्ज होना बाकी है। एक दो और उदाहरण देता हूं, हमने दुनिया को और क्या क्या दिया है। सारी दुनिया में इस समय किसी को मैं पूछूं कि सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया तो हम ले दे के एक नाम लेते हैं, राइट ब्रदर्स ने बनाया और उनके नाम से दर्ज है यह आविष्कार। 17 दिसंबर सन 1903 को अमेरिका के कैरोलिना के समुद्र तट पर राइट ब्रदर्स ने पहला हवाई जहाज बनाकर उड़ाया, जो 120 फीट उड़ा और गिर गया। और उसके बाद फिर आगे हवाई जहाज की कहानी शुरू होती है। तो हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि 17 दिसंबर 1903 में पहली बार हवाई जहाज बना और उड़ा, 120 फीट तक गया, अमेरिका के साउथ कैरोलिना के समुद्र तट पर राइट ब्रदर्स ने उसको उड़ाया। लेकिन अभी दस्तावेज मिले हैं और वो ये बताते हैं कि 1903 से कई साल पहले सन 1895 में हमारे देश के एक बहुत बड़े विमान वैज्ञानिक ने हवाई जहाज बनाया और मुंबई की चौपाटी के समुद्र तट पर उड़ाया और वो 1500 फीट ऊपर उड़ा और उसके बाद नीचे गिरा। जिस भारतीय वैज्ञानिक ने यह करामात की उनका नाम था शिवकर बापूजी तलपदे, मराठी व्यक्ति थे। अगर आप मुंबई से परिचित हो तो मुंबई में एक छोटा सा इलाका है उसको चीरा बाजार कहते हैं, वहां उनका जन्म हुआ और पढ़ाई लिखाई की, एक गुरु के सानिध्य में रह के संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन किया। अध्ययन करते समय उनकी रुचि पैदा हो गई और हमारे देश में विमान शास्त्र के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं वो महर्षि भरद्वाज है। महर्षि भरद्वाज ने विमान शास्त्र की सबसे पहली पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक के आधार पर फिर सैकड़ों पुस्तकें लिखी गई विमान शास्त्र की। सबसे पहली पुस्तक महर्षि भरद्वाज की है विमान शास्त्र की,
और भारत में वो जो पुस्तक उपलब्ध है, सबसे पुरानी पुस्तक वो 1500 साल पुरानी है। महर्षि भरद्वाज तो उसके भी बहुत साल पहले हुए। तो महर्षि भरद्वाज ने विमान शास्त्र पे सबसे ज्यादा शोध किया। ये जो शिवकर बापूजी तलपदे थे, इनके हाथ में महर्षि भरद्वाज की वो पुस्तक लग गई, विमान शास्त्र। उस पुस्तक को आद्योपांत उन्होंने पढ़ा। उस पुस्तक के बारे में उन्होंने कुछ रोचक बातें कही हैं। एक बात उन्होंने कही कि इस पुस्तक के 8 अध्यायों में विमान बनाने की तकनीकी का ही वर्णन है, 8 अध्याय। और वो कहते हैं कि 8 अध्याय में 100 खंड हैं जिनमें विमान बनाने की टेक्नोलॉजी का विस्तार से वर्णन है। फिर आगे कहते हैं कि महर्षि भरद्वाज ने अपनी पूरी पुस्तक में विमान बनाने के 500 सिद्धांत लिखे। आप इस बात को जरा फिर से सुनिएगा। एक सिद्धांत पर पूरा विमान बन जाता है, ध्यान दीजिएगा। एक सिद्धांत होता है, एक प्रिंसिपल होता है, उस पर इंजन बन जाता है और विमान बन जाता है। ऐसे 500 सिद्धांत लिखे हैं महर्षि भरद्वाज ने, माने 500 तरह के विमान बनाए जा सकते हैं हर एक सिद्धांत पर। और उस पुस्तक के बारे में तलपदे जी लिखते हैं कि ये 500 सिद्धांतों के 3000 श्लोक हैं। विमान शास्त्र में 3000 श्लोक हैं। और वो कहते हैं, आप जानते हैं ये जो टेक्नोलॉजी होती है, ये जो तकनीकी होती है, उसका एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, और हर एक तकनीकी की एक विशेष प्रक्रिया होती है। तो महर्षि भरद्वाज ने 32 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है, 32 तरह से 500 किस्म के विमान बनाए जा सकते हैं। इस बात को जरा समझिएगा, मुझे देर में समझ में आई। 32 तरीके हैं 500 तरह के विमान बनाने के, माने एक विमान बनाने के 32 तरीके, दो विमान बनाने के 32 तरीके, 500 विमान बनाने के 32 तरीके उस पुस्तक में है विमान शास्त्र। 3000 श्लोक है, 100 खंड है और 8 अध्याय है। कितना बड़ा ग्रंथ है ये। इस ग्रंथ को शिवकर बापूजी तलपदे ने पढ़ा अपने विद्यार्थी जीवन से, और पढ़ पढ़कर परीक्षण किए, और परीक्षण करते करते 1895 में वो सफल हो गए और उन्होंने पहला विमान बना लिया। और उस विमान को बना लिया तो उन्होंने उसको उड़ाकर भी दिखाया, और उसको देखने के लिए भारत के बड़े बड़े लोग गए। हमारे देश के उस समय के एक बड़े व्यक्ति हुआ करते थे, महादेव गोविंद रानाडे, जो अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में जज की हैसियत से काम किया करते थे मुंबई हाई कोर्ट में। तो रानाडे जी गए उसको देखने के लिए। बड़ोदरा के एक बड़े राजा हुआ करते थे गायकवाड़ करके, वो गए उस विमान को देखने के लिए। ऐसे बीसियों बड़े लोगों के सामने और हजारों लोगों की उपस्थिति में शिवकर बापूजी तलपदे ने अपना विमान उड़ाया। और हैरानी की बात यह थी कि उस विमान को उन्होंने उड़ाया, उसमें खुद नहीं बैठे, बिना चालक के उड़ा दिया उसको। माने आप समझिए कि उस विमान को उड़ाया होगा तो कंट्रोल सिस्टम तलपदे जी के हाथ में है और विमान हवा में उड़ रहा है। और यह बात 1895 में हो रही है, आज की दुनिया की बात नहीं हो रही। और उस विमान को उड़ाते उड़ाते 1500 फीट तक वो लेके गए, फिर उसके बाद उन्होंने उसको उतारा और बहुत सकुशल उतार कर उसको जमीन पे खड़ा कर दिया। माने वो विमान टूटा नहीं, उसमें आग लगी नहीं, उसके साथ कोई दुर्घटना हुई नहीं। उड़ा, 1500 फीट तक गया, फिर नीचे कुशलता से उतरा और सारी भीड़ ने तलपदे जी को कंधों पर उठा लिया। महाराजा गायकवाड़ ने उनके लिए इनाम की घोषणा की, एक जागीर उनके लिए घोषणा कर दी कि ये पूरी जागीर इनको दूंगा। और गोविंद रानाडे जी जो थे वहां पर, उन्होंने घोषणाएं की, बड़े बड़े लोगों ने घोषणाएं की। तलपदे जी का ये कहना था कि मैं ऐसे कई विमान बना सकता हूं, मुझे पैसे की कुछ जरूरत है, आर्थिक रूप से मेरी अच्छी स्थिति नहीं है। तो लोगों ने इतना पैसा इकट्ठा करने की घोषणा की कि आगे तो उनको कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन तभी उनके साथ एक धोखा हुआ। धोखा क्या हुआ,
अंग्रेजों की एक कंपनी थी, उसका नाम था रैली ब्रदर्स करके। वो आई उनके पास, तलपदे जी के पास, और तलपदे जी को कहा कि ये जो विमान आपने बनाया है इसका ड्राइंग हमें दे दीजिए। तलपदे जी ने कहा कि उसका कारण बताइए। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आपने ये जो आविष्कार किया है इसको सारी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, आपके पास पैसे की बहुत कमी है, हमारी कंपनी काफ़ी पैसा इस काम में लगा सकती है, लिहाजा हमारे साथ आप समझौता कर लीजिए और इस विमान की डिज़ाइन दे दीजिए। तलपदे जी भोले भाले सीधे साधे आदमी मान गए और कंपनी के साथ उन्होंने एक समझौता कर लिया। उस समझौते में रैली ब्रदर्स जो कंपनी थी इसने क्या किया, पूरा विमान का मॉडल उनसे ले लिया और ड्राइंग ले ली, डिज़ाइन ले ली, और उसको लेकर ये कंपनी लंदन चली गई। और लंदन के बाद उस समझौते को वो कंपनी भूल गई और वही ड्राइंग और वही डिज़ाइन फिर अमरीका पहुंच गई। फिर अमरीका में राइट ब्रदर्स के हाथ में आ गई। फिर राइट ब्रदर्स ने वो विमान बना के अपने नाम से सारी दुनिया में रजिस्टर करा लिया। और तलपदे जी की गलती क्या थी, उनको चालाकी नहीं आती थी, ज्ञान तो बहुत था उनके पास। ये भारत वाली सबसे बड़ी जो समस्या मुझे समझ में आई है 12-15 साल में, कि हमको सब ज्ञान आता है, सब तकनीकी आती है, सब आता, चालाकी नहीं आती। एक वो गाना है ना, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, ये भारतवासियों पे फिट है बिल्कुल। और ये अंग्रेजों को और अमरीकियों को कुछ नहीं आता, सिर्फ चालाकी आती है। उनके पास ना ज्ञान है ना उनके पास कोई आधार है, उनको एक ही चीज आती है, चालाकी। और चालाकी में वो नंबर वन है। किसी का दुनिया में कुछ भी नया मिले उसकी चालाकी करके अपने पास ले लो और अपने नाम से उसको प्रकाशित कर दो। ये हुआ शिवकर बापूजी तलपदे ने 1895 में बनाया हुआ विमान सारी दुनिया के सामने अब ये घोषित करता है कि विमान सबसे पहले अमरीकी ब्रदर्स राइट ब्रदर्स ने बनाया, 1903 में बनाया, 17 दिसंबर को दिखा। उससे कई साल पहले, अगर आप साल ही जोड़ेंगे तो कम से कम 8 साल पहले भारत में विमान बन चुका था और सारे देश के सामने वो दिखाया जा चुका था। अब हमें इस बात के लिए लड़ाई करनी है अमरीकियों से और यूरोपियन लोगों से कि ये तो हमारे नाम ही दर्ज होना चाहिए। और रैली ब्रदर्स कंपनी ने जो बेईमानी और बदमाशी की थी समझौते के बाद, उसका उस कंपनी को हर्जाना देना चाहिए, क्योंकि समझौता करने के बाद बेईमानी की थी। हम भारतवासी कुछ इसी तरह की चीजों में पीछे रह गए, वरना हम दुनिया में आज अगर थोड़ी चालाकी हमने सीखी होती, थोड़ी होशियारी हमको आ रही होती, तो ये विमान बनाने का श्रेय तलपदे जी के नाम ही रहता, ये रैली ब्रदर्स की चोरी और फिर राइट ब्रदर्स तक उसका पहुंचना ये नहीं हो पाता। और बाद में तलपदे जी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद सारी कहानी खत्म हो गई। उनकी तो मृत्यु के बारे में भी शंका है, उनकी हत्या की गई और दर्ज कर दिया गया कि उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसे व्यक्ति की हत्या करना बहुत स्वाभाविक है जिसके नाम दुनिया में इतना बड़ा आविष्कार होने की संभावना हो, बहुत स्वाभाविक है। तो अगर हम फिर से वो पुराने दस्तावेज ढूंढें, खोलें और फाइल को फिर से देखें तो पता चल जाएगा, और दूध का दूध पानी का पानी सारा सच दुनिया के सामने आ जाए। हम चाहते हैं कि भारत स्वाभिमान इस काम को अपने हाथ में ले और तलपदे जी की हत्या की जांच हो फिर से, और उनके द्वारा किए गए आविष्कार को सारी दुनिया में मान्यता मिले कि राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले किसी भारतवासी ने विमान बनाया और सारी दुनिया में उड़ाया उसको। और एक दो छोटी बातें बताता हूं हमने जो दुनिया को दी है। मैं थोड़ा खगोल शास्त्र के विषय में आपसे बात करना चाहता हूं। हम खगोल शास्त्र के बारे में कोई भी ज्ञान, जैसे सौर मंडल है, सूरज है, पृथ्वी है, सूर्य के बहुत सारे ग्रह हैं, ग्रहों के बहुत सारे उपग्रह हैं, इन सब के बारे में जो भी ज्ञान पाते हैं या हमने जो पढ़ा है बचपन से, तो दो ही नाम हम जानते हैं, एक तो कॉपरनिकस और दूसरा गैलीलियो।
पृथ्वी है, सूर्य है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई आकर्षण है, पृथ्वी और सूर्य के अलावा दूसरे ग्रहों के आपस के कोई आकर्षण है, ये सारा ज्ञान हम दो ही लोगों के नाम से पढ़ते हैं। आपको याद होगा, एक तो कॉपरनिकस, दूसरा गैलीलियो। कॉपरनिकस के ज्ञान के आधार पर हम पढ़ते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है, सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है, अपनी धुरी पर घूमने से ये होता है, सूर्य के चारों तरफ घूमने से ये होता है, ये सब बचपन से हम पढ़ते आए कॉपरनिकस के नाम से या तो गैलीलियो के नाम से। अभी पता चल रहा है वो ये कि कॉपरनिकस और गैलीलियो तो पैदा भी नहीं हुए थे, उसके हजारों साल पहले ये ज्ञान और ये सूत्र और ये सिद्धांत भारत के सामने प्रस्तुत किए थे एक महान व्यक्ति, उनका नाम था महर्षि आर्यभट्ट। उन्होंने सबसे पहले दुनिया को बताया कि ये सौर मंडल में सूरज स्थित है और स्थिर है, पृथ्वी जो है स्थिर नहीं है, वो घूम रही है सूरज के चारों तरफ और वो अपने अक्ष पर भी घूम रही है। ये सबसे पहले महर्षि आर्यभट्ट ने सारी दुनिया को बताया। उसके बाद उन्होंने जो सूत्र दिए, उन सूत्रों के आधार पर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी निकाली गई। और आप हैरान हो जाएंगे, महर्षि आर्यभट्ट ने जो दूरी निकाल के दे दी, वो दूरी को आज तक दुनिया का कोई खगोल शास्त्री चुनौती नहीं दे पाया, आज तक नहीं दे पाया। जितनी दूरी उन्होंने बता दी, उतनी ही दूरी आज के वैज्ञानिक बताते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच की। और तीसरी महत्व की बात महर्षि आर्यभट्ट ने जो सारी दुनिया को बताई वो ये कि सूर्य जो है ये निरापद नहीं है, इसमें बहुत सारे काले धब्बे हैं, और ये काले धब्बे की जो थ्योरी है इसको स्टीफन हॉकिंग्स नाम के एक आधुनिक वैज्ञानिक ने अपने नाम से लिखवा लिया है और वर्ड पेटेंट ले लिया है, ब्लैक होल थ्योरी। आप में से कुछ लोग अगर थोड़ा फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा ब्लैक होल थ्योरी। ये ब्लैक होल थ्योरी को सारी दुनिया मानती है, स्टीफन हॉकिंग्स की खोज है ब्लैक होल्स थ्योरी, लेकिन महर्षि आर्यभट्ट ने स्टीफन हॉकिंग्स के जन्म से हजारों साल पहले बता दिया कि सूरज निरापद नहीं है, इसमें ब्लैक होल्स हैं, काले विवर हैं, और वही उसके जीवन का कारण है। इसके बाद और एक महत्व की बात जो सारी दुनिया में महर्षि आर्यभट्ट ने बताई, जिसको दूसरे लोग अपने नाम से प्रकाशित करते रहे हैं, वो ये कि हमारा जो सूर्य है और सूर्य के साथ दूसरे ग्रहों की जो स्थिति है, तो सारे ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं, दूसरे ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से ही वो सब प्रकाशित हैं, वो चाहे शनि हो, चाहे बुध हो, चाहे शुक्र हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे मंगल हो, ये सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं। सारी दुनिया को सबसे पहले महर्षि आर्यभट्ट ने बताया है। और इससे भी गहरी बात मैं आपसे कहता हूं, महर्षि आर्यभट्ट ने पता नहीं कैसे हजारों साल पहले कोई दूरबीन बनाई होगी तभी ये बता सकते, नहीं तो सवाल ही नहीं। महर्षि आर्यभट्ट ने बताया कि शनि के 5 उपग्रह हैं, पूरी दुनिया को पता चला। उसके बाद थोड़े दिन में उन्होंने अपनी कही हुई बात को संशोधित किया और कहा कि नहीं, शनि के 7 उपग्रह हैं, 5 नहीं है, 7 है, और गिनकर बताए उन्होंने। और आपको मैं बताना चाहता हूं ये गर्व की बात कि महर्षि आर्यभट्ट ने हजारों साल पहले जो कह दिया कि शनि के 7 उपग्रह हैं, आज के वैज्ञानिक 8वां उपग्रह नहीं खोज पाए अभी तक शनि का, वो 7वें ही अटके हुए, और शायद खोज भी नहीं पाएंगे क्योंकि 8वां उपग्रह है ही नहीं, होता तो वो खुद ही बता के चले गए। अब मैं आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं कि शनि के 7 उपग्रह को खोज लेना कैसे संभव है, बिना दूरबीन के तो सवाल ही नहीं उठता, हो ही नहीं सकता। इसका माने बहुत साफ है कि महर्षि आर्यभट्ट ने दुनिया की सबसे पहली दूरबीन बनाई होगी और उससे देखकर यह बताया होगा, और सारी दुनिया में दूरबीन बनाना लोगों ने उसकी नकल करके सीखा होगा। महर्षि आर्यभट्ट ने एक पुस्तक लिखी है, बड़ी पुस्तक है, बृहद संहिता उसका नाम है, और एक दूसरी पुस्तक है आर्यभट्ट संहिता उसका नाम है। इन दोनों पुस्तकों में सैकड़ों नहीं
हजारों हजारों सूत्र हैं सूरज के बारे में, चंद्रमा के बारे में और दूसरे ग्रहों के सूरज के अंतर संबंधों के बारे में। और आप जानते हैं सबसे पहले दुनिया में ग्रहण के बारे में, चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा, इस तिथि को होगा, इस दिनांक को होगा, इस साल में पड़ेगा, ये सारे के सारे ठीक ठीक गणनाएं सबसे पहले शुरू किया महर्षि आर्यभट्ट ने। शुरू महर्षि आर्यभट्ट की शुरू की गई गणनाएं चंद्र ग्रहण की, सूर्य ग्रहण की, हजारों साल बिल्कुल सच साबित हुई और उसके आधार पर पंचांग विकसित हुआ। और आपको एक और गहरी बात बताना चाहता हूं महर्षि आर्यभट्ट के बारे में कि उन्होंने सूरज का, पृथ्वी का, दूसरे ग्रहों का जब अध्ययन किया बारीकी से, गहराई से, और उन्होंने देखा कि पृथ्वी अपनी धुरी पे भी घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है, तो पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने से दिन है और दिन रात हो रहे हैं, तो दिन कितने घंटे का हो रहा है, रात कितने घंटे की हो रही है, और बारीकी से करते करते उन्होंने 7 दिन निर्धारित कर दिए। और वो 7 दिन है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ये जो 7 दिन महर्षि आर्यभट्ट ने हजारों साल पहले निश्चित कर दिए, सारी दुनिया अभी तक 8वां दिन नहीं खोज पाई। जो 7 उन्होंने हजारों साल पहले कह दिए वही 7 दिन पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। और आपको हैरानी होनी चाहिए ये जानकर कि कोई क्रिश्चियन है तो, कोई मुसलमान है तो, कोई यहूदी है तो, कोई बौद्ध है तो, कोई पारसी है तो, कोई हिंदू है तो, या किसी भी संप्रदाय का है, वो इन्हीं 7 दिनों को मानता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। बस अंतर इतना है कि उसको अपनी अपनी भाषा में उन्होंने भाषांतर कर लिया है। अंग्रेजों ने रविवार का संडे कर दिया, सोमवार का मंडे कर दिया, मंगलवार का ट्यूसडे कर दिया, बुधवार का वेडनेसडे कर दिया, गुरुवार का थर्सडे कर दिया, शुक्रवार का फ्राइडे कर दिया, शनिवार का सैटरडे। बस इतना ही किया है, भाषांतर ही किया है, बाकी कोई मूल बदलाव अंग्रेज नहीं कर पाए। और अंग्रेजों के आगे पीछे की सभ्यताओं ने भी उसको वैसे का वैसा ही स्वीकार किया। यूनान की पूरी सभ्यता ने यही स्वीकार किया, रवि, सोम, मंगल, बुध। मेसोपोटामिया की सभ्यता ने यही स्वीकार किया, बेबीलोनियन की सभ्यता ने यही स्वीकार किया। दुनिया में जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं मानी जाती हैं सब में ये रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि ही है। और ये भारत की देन है सारी दुनिया की सभ्यताओं को, जिसमें वो एक कदम भी आगे हमसे बढ़ नहीं पाए हैं। जितना हमने खोज के बता दिया वहीं पर पूरी दुनिया रुकी हुई है अभी तक। बहुत बड़ा योगदान है महर्षि आर्यभट्ट का इस खगोल शास्त्र की दुनिया। और एक दो छोटी बातें बताता हूं कि महर्षि आर्यभट्ट का एक और बहुत बड़ा योगदान है सारी दुनिया के लिए गणित का। गणित के बारे में 2-3 रोचक तथ्य मैं आपको कहना चाहता हूं। गणित में जो त्रिकोणमिति होती है ना, आपने तो पढ़ा होगा बचपन में, हम लोग अंग्रेजी में उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ये जो त्रिकोणमिति है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये महर्षि आर्यभट्ट की खोज है। उन्होंने सबसे पहले त्रिकोणमिति दिया है पूरी दुनिया को जानने, समझने और सीखने के लिए। और आप जानते हैं इसी त्रिकोणमिति को आधार बनाकर दुनिया में सारा निर्माण कार्य चलता है। त्रिकोणमिति अगर आप जानते नहीं है तो आप किसी भी निर्माण कार्य में लग नहीं सकते। तो सारी दुनिया के निर्माण कार्य का आधार और पृष्ठभूमि महर्षि आर्यभट्ट की देन है त्रिकोणमिति, जो उन्होंने समझाई सारी दुनिया। गणित में त्रिकोणमिति का आविष्कार भारत में हुआ है। फिर इसी तरह एक महान महर्षि हुए भास्कराचार्य, उन्होंने गणित की सबसे पहली पुस्तक लिखी लीलावती, जिसका नाम लीलावती जो थी वो महर्षि भास्कराचार्य की बेटी थी। तो अपने बेटी के नाम पर, बेटी को जो वो सिखाते थे गणित में, वही सब उन्होंने लिखा पुस्तक में। और लीलावती के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी कुशाग्र बुद्धि थी, इतना तीव्र बुद्धि वो बेटी थी कि पेड़ के पत्ते गिन सकती थी। और जब भी उसको पेड़ के पत्ते गिनने के लिए कहा गया
तो वास्तव में उतने ही पत्ते निकलते थे जितने होते थे, और उसको कहा जाता था कि तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज चलती है, तो कहती थी वो पिताजी की कृपा है, उन्होंने मुझे गणित सिखाया। पेड़ के पत्ते गिन लेना कोई आसान काम नहीं है, ये कुछ ऐसा ही काम है कि आसमान में तारे गिन लेना। और लीलावती इसमें सिद्धस्थ थी। उस लीलावती के नाम से पुस्तक प्रकाशित हुई, महर्षि भास्कराचार्य की गणित की पहली पुस्तक, और सारी दुनिया ने उस पुस्तक को आधार बनाकर अपने यहां गणित का कोर्स बनाया है, सिलेबस बनाया। आपको हैरानी होगी जानकर दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपने गणित का सिलेबस लीलावती के आधार पर बनाया। ऐसे एक महान हमारे देश में गणितज्ञ हुए, उनका नाम था महर्षि ब्रह्मगुप्त। इन्होंने सारी दुनिया को सबसे पहले सिखाया जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ये अंक गणित का जो चार हिस्सा है, जोड़, घटाना, भाग और गुणा, ये सबसे पहले महर्षि ब्रह्मगुप्त ने पूरी दुनिया को सिखाया, और इसके लिए उन्होंने शास्त्र निर्माण किया। और महर्षि ब्रह्मगुप्त के ही नाम ये खोज है कि वर्ग करना और वर्गमूल करना, घन करना, घनमूल करना, ये भी उन्होंने सबसे पहले सूत्र दिया दुनिया को सीखने के लिए। और जो बीज गणित हम पढ़ते हैं, जिसको हम आजकल एलजेब्रा कहने लगे हैं, ये एलजेब्रा पूरा का पूरा महर्षि ब्रह्मगुप्त की देन है। हमारा आज का एलजेब्रा और उसका सिलेबस महर्षि ब्रह्मगुप्त के लिखे हुए पुस्तकों पर आधारित है सारा का सारा। इसी तरह से एक प्रमेय होती है, एक थ्योरम है, वो हम लोग पढ़ते हैं बचपन में, नौवीं दसवीं कक्षा से लेके बारहवीं तक हम उसका इस्तेमाल करते हैं। वो थ्योरम को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस का जन्म हुआ ईसा से 8 शताब्दी पहले, और ईसा के 15वीं शताब्दी पहले के भारत के गुरुकुलों के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि पाइथागोरस हमारे यहां था। हम उसको बोधायन प्रमेय के रूप में पढ़ते थे। बोधायन एक महर्षि हुए, उनके नाम से वो प्रमेय पढ़ाई जाती थी भारत में ईसा के जन्म के 15 शताब्दी पहले, माने आज से लगभग 3500 साल पहले वो प्रमेय भारत में पढ़ाई जाती थी बोधायन प्रमेय के नाम से। और वो प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, हिंदी में कहते हैं ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के एडिशन के बराबर। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये जो हम पढ़ते हैं ये सबसे पहले बोधायन महर्षि की देन है, जिसके आधार पर सारी दुनिया ने सीखा। पाइथागोरस ने बेईमानी करके और चालाकी करके इसको अपने नाम से प्रकाशित करवा लिया, और वो आज तक सारी दुनिया इसी भ्रम में जी रही। इसी तरह से मैथमेटिक्स में, मॉडर्न मैथमेटिक्स में एक थ्योरम इस्तेमाल होती है, बाइनोमियल थ्योरम। अगर थोड़ा गणित आपने उच्च स्तर का पढ़ा होगा तो आपको तुरंत ये नाम ध्यान में आएगा। बाइनोमियल थ्योरम जो द्विपद प्रमेय है, वो सारी दुनिया को सबसे पहले भारत ने दिए। और ये बाइनोमियल थ्योरम भी महर्षि आर्यभट्ट की देन है सारी दुनिया। और इसी तरह से हमारे भारत में एक विषय चलता है गणित में, जिसको मॉडर्न मैथमेटिक्स के नाम से आजकल कहने लगे हैं, कैलकुलस। और उसके दो हिस्से हैं, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। ये इंटीग्रल कैलकुलस सबसे पहले भारत में लाया जिस महर्षि ने, उनका नाम था माधवाचार्य। और डिफरेंशियल कैलकुलस पूरी दुनिया को सिखाया जिन महर्षि ने, उनका नाम था भास्कराचार्य। डिफरेंशियल कैलकुलस का आज का पूरा सिलेबस भास्कराचार्य जी की पुस्तक को सामने रख लो तो समझ में आ जाता है। और माधवाचार्य जी की जो गणित की पुस्तक है उसको पढ़कर डिफरेंशियल वो इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ो, बिल्कुल साफ समझ में आ जाता है। और गणित में सबसे ज्यादा शोध दुनिया में हुआ है तो वो भारत में हुआ है। भारत के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़े गणितज्ञ माने जाते हैं दुनिया में, वो फ्रेंच लोग हैं। फ्रांसीसी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि गणित अगर हमने सीखा है और दुनिया ने सीखा है तो वो भारत से सीखा है। और गणित की जो मूल बात है, शून्य,
एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, जिसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं, ये सारी दुनिया को भारत की देन है। और आपने मेरे व्याख्यान के पहले वो जो गीत सुना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, वो सच है। सारी दुनिया को शून्य, फिर एक, फिर दो, फिर नौ तक की गिनती हमने सिखाई है। और जो गिनती सिखाएगा वही गणित बनाएगा। गणित तो उसी को आएगा जिसको गिनती आएगी। जिन्होंने गिनती गिनी है और जिन्होंने गिनती पढ़ी है वही गणित बना सकते हैं और गणित सिखा सकते हैं। तो भारत ने सारी दुनिया को गिनती दी है, गणित दिया है, गणित के सूत्र दिए हैं। और कुछ गणित के सूत्रों के बारे में तो आप सब जानते हैं। वैदिक गणित का नाम आपने सुना है, वैदिक गणित के सूत्र 17 सूत्र है। इन सूत्रों को जो सीख लेगा वो गणित का इतना बड़ा पंडित हो जाएगा कि कैलकुलेटर से ज्यादा तेज कैलकुलेशन वो कर पाए। कुछ भारतवासी सारी दुनिया में अपना चमत्कार दिखाते रहते हैं गणित का। एक बहन जी है, एक माता जी है, नाम नहीं लेना चाहता उनका, आप सब समझ जाएंगे एक मिनट में। वो पूरी दुनिया में प्रवास करती हैं और बड़े बड़े शो करती हैं, लाखों रुपए उस शो के वो लेती हैं। एक एक व्यक्ति उस शो में जाए तो हजारों रुपए की टिकट खरीदता है, डॉलर्स में खरीदता है। और वो माताजी सबको यही बताती हैं गणित के सूत्र, और चमत्कारिक तरीके से बताती है। 10 अंक का कुछ संख्या लिख दो और 10 अंक की एक संख्या लिख दो, दोनों का गुणा कर दो, कैलकुलेटर जितनी देर में बताएगा वो माताजी उसके पहले बता देती हैं। और लाखों डॉलर बरसते हैं उनके ऊपर। वो कुछ भी नहीं है, वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र हैं। कोई सीख लेगा तो वो बता देगा, उसमें कौन सी खास बात है। और उनके बारे में अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन आता है, जिनका दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है, जिनके गणित की गणनाएं कंप्यूटर से ज्यादा तेज है, ऐसी माताजी का व्याख्यान सुनने आइए या दर्शन करने आइए। मैं सोचता हूं कि ऐसी तो सभी माताएं हो सकती है, सभी बहनें हो सकती हैं, सभी भाई हो सकते हैं, बस वैदिक गणित के वो 17 सूत्र सीखने की देर है। और वो सूत्र अगर आपको सीखने हो तो पुस्तकें उसकी बाजार में उपलब्ध हैं। मेरी आपको एक विनम्र प्रार्थना है, वो ये कि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको वो सूत्र जरूर सिखा दीजिए, गणित उनको रोचक हो जाएगा। हमारे देश के बच्चों को गणित में ही सबसे ज्यादा बोरियत आती है, क्योंकि आज जो हम गणित सीखते और सिखाते हैं वो अंग्रेजों के तरीके से सीखते हैं और अंग्रेजों के तरीके से सिखाते हैं, उसमें रस बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये जो वैदिक गणित लिखा गया है इसको सीखने में इतना रस है कि आप 90 साल के भी हो जाएं तो भी आप वैसे ही सीखेंगे जैसे 15-17 साल के बच्चे सीखते हैं। हमारे भारत में शिक्षा के बारे में जो सबसे गहरी बात है कि शिक्षा को रसपूर्ण बना के सिखाना, हंसते हंसते सिखा देना, खेलते खेलते सिखा देना, गाना गाते गाते सिखा देना, गीत गाते गाते सिखा देना, दुनिया में कहीं नहीं है ये। तो वैदिक गणित के सूत्रों को आप सीखें बहुत अच्छा हो, नहीं तो अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं, उनसे आप आसानी से कर सकते हैं। और मेरा तो कहना है कि आप सीखकर दूसरों को सिखाने का अभियान चला सकते हैं। कम से कम ये जो तिलिस्म बना हुआ है 2-3 लोगों के नाम पर कि वो गणना करते हैं कंप्यूटर से ज्यादा तेज, मैं चाहता हूं भारत स्वाभिमान का हर कार्यकर्ता, वो भाई हो या बहन, कंप्यूटर से तेज गणना कर सकता है अगर वैदिक गणित के ये सूत्र सीख लें। एक दो बात और कहना चाहता हूं, हम भारतवासियों ने दुनिया को और क्या क्या दिया है। सारी दुनिया को सबसे पहले बर्फ बनाना हमने सिखाया। अद्भुत देश है ये भारत, यहां बर्फ सबसे कम है लेकिन बर्फ बनाना सबसे ज्यादा हम ही जानते हैं। भारत में बर्फ जहां है ना वो कुल मिला के 2-4 राज्य हैं, एक तो जम्मू कश्मीर है, एक तो हिमाचल प्रदेश है, एक तो हमारा ये उत्तराखंड है, और थोड़ा बहुत उत्तर पूर्व के कुछ प्रदेश हैं छोटे जहां पर बर्फ गिरती है। ये बर्फ प्रकृति की बनाई हुई है, लेकिन हम भारतवासी इस बात का गर्व कर सकते हैं कि मनुष्य की बनाई हुई सबसे पहली बर्फ हमने दी है दुनिया को, और उसकी तकनीकी भी हमने बताई है पूरी दुनिया को। हमारे देश में एक महान राजा हुआ, उसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में आप सबने पढ़ा है, सुना है, जानकारी आपको होगी। हर्षवर्धन की 2-3 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि वो वैज्ञानिक था और राजा हुआ। सबसे बड़ी बात उसके बारे में जो दुनिया नहीं जानती वो ये कि वो खाली राजा नहीं था, वो वैज्ञानिक था और राजा हुआ।
और चक्रवर्ती सम्राट हुआ। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब आप समझते हैं, भारत में चक्रवर्ती सम्राट कौन हो सकता है? जो एक गांव का राजा होता है उसको हमारे देश में कहा जाता है सरपंच, जो 10 गांव का राजा होता है उसको कहा जाता है नायक, जो 100 गांव का राजा होता है उसको कहते हैं सामंत, जो 1000 गांव का राजा होता है उसको कहते हैं राजा, फिर 10,000 गांव का जो हो जाए राजा वो महाराजा, फिर 1,00,000 गांव का जो हो जाए वो सम्राट, और 7,00,000 गांव का जो राजा हो वो चक्रवर्ती सम्राट। और भारत में लगभग 7,00,000 ही गांव रहे, तो हर्षवर्धन चक्रवर्ती सम्राट था, माने पूरे भारत का राजा था। एक बात वैज्ञानिक था, दूसरी बात और विज्ञान की किस भाषा में उसको दक्षता थी, केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञाता था वो, केमिस्ट्री उसको बहुत आती। जब वो राजा बना उसकी बेटी बीमार हो गई और उसको बहुत तेज बुखार आया, तो पहली बार उसने अपनी बेटी का बुखार उतारने के लिए बर्फ बनवाई और उसका इस्तेमाल किया। हर्ष चरित्रम करके एक पुस्तक लिखी गई हर्षवर्धन के बारे में, और हर्ष चरित्रम में इसका विस्तार से वर्णन है कि राजा हर्षवर्धन अपनी बेटी का बुखार ठीक करने के लिए बर्फ का इस्तेमाल कर रहा है और वो बर्फ बनाने की पूरी तकनीकी है। और राजा हर्षवर्धन का जो समय है ना वो 6वीं शताब्दी का है, माने आज से लगभग 1500 साल पहले, 1400 1450 साल पहले। अंग्रेजों के यहां बर्फ पड़ती है, अमरीकियों के यहाँ बर्फ पड़ती है, फ्रांस में बर्फ पड़ती है, जर्मनी में बर्फ पड़ती है, लेकिन वो बर्फ बनाना 18वीं शताब्दी तक नहीं जानते थे। जिनके यहाँ बर्फ पड़ती है वो बर्फ बनाना नहीं जानते थे। बर्फ बनाने के लिए पानी को एक विशेष तापमान पर रखना पड़ता है और एक विशेष दबाव उसको देना पड़ता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कंट्रोल करके ही बर्फ बन सकती है। बहुत जटिल प्रक्रिया है, आसान काम नहीं है ये, लेकिन हर्षवर्धन को यह मालूम था और उसने बर्फ बनाना और बनवाना अपने राज्य में शुरू किया था। उस समय से भारत में बर्फ बनाने की परंपरा, बर्फ हमारे यहाँ भगवान के द्वारा बहुत कम दी गई है लेकिन बनाना हमको दुनिया में सबसे पहले आया। अब हमको ये स्थापित कराना अभी बाकी है कि सबसे पहले बर्फ भारत में बनी। अंग्रेज लोग बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले बर्फ 18वीं शताब्दी में बनाई, हमने उनसे 1000 साल पहले बर्फ बनाई थी। सारी दुनिया को ये बर्फ बनाने की टेक्नोलॉजी हमने दी है। कागज बनाना पूरी दुनिया को भारत ने सिखाया, कागज बनाना सबसे पहले भारत में शुरू हुआ। हमारे भारत में एक घास होती है उसको सन कहते हैं और एक घास होती है उसको मूंज कहते हैं। गांव के लोग हैं उनको तो ये दोनों शब्द अच्छे से समझ में आएंगे। एक सन होती है और एक मूंज होती है। मूंज जो है ना बहुत तीखी होती है, उंगली को काट सकती है और खून निकाल सकती है। सन वाली घास जो होती है वो थोड़ी नरम होती है, उंगली को काटती वाटती नहीं, और भारत के हर गाँव में इफरात में होती है और फोकट में होती है। पूर्वी भारत और मध्य भारत में तो हर गांव में होती है, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, आसाम में, कोई गांव नहीं जहां सन ना हो मूंज ना हो। तो जिन इलाके में सन और मूंज सबसे ज्यादा होती रही है इसी इलाके में सबसे पहले कागज बनना शुरू हुआ। वो सन की घास से और मूंज की घास से हमने सबसे पहले कागज बनाया और सबसे पहला कागज बना के दुनिया को हमने दिया। और वो कागज बनाने की तकनीक आज से 2000 साल पुरानी। और चीन के जो दस्तावेज है वहां से ये बात मुझे पता चली, चीनियों के दस्तावेजों में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने जो कागज बनाना सीखा वो भारत से सीखा। तो उन्होंने जो कागज बनाना सीखा वो भारत से, यहां से सीखा, सन और मूंज की रस्सी से। इसी तरह से दुनिया में सबसे पहली बैटरी, बैटरी समझते हैं, ड्राई सेल, अंग्रेजी में कहूं तो शायद जल्दी समझ में आ, ड्राई सेल बैटरी सबसे पहले भारत में बनी। और ड्राई सेल बनाने की जो विधि है ना, जो आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार कर रखी है, वो महर्षि अगस्त्य द्वारा दी गई विधि है। महर्षि अगस्त्य ने सबसे पहली ड्राई सेल बनाई थी
और उसका विस्तार से उनका वर्णन है अगस्त संहिता में। पूरा ड्राई सेल बनाने की टेक्नोलॉजी, पूरी तकनीक उन्होंने दी है, और हम में से कई लोगों ने उस तकनीक से बना के देखा है और ड्राई सेल बनता है, और हजारों वर्ष पहले की वो तकनीक है। इसका माने क्या हुआ, जो देश के वैज्ञानिक और महर्षि ड्राई सेल बनाना जानते हो वो विद्युत के बारे में भी जानते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी जानते होंगे, करंट के बारे में भी जानते होंगे, क्योंकि ड्राई सेल यही करता है, करंट के फ्लो के लिए ही हम उसका उपयोग करते हैं। ये अलग बात है कि वो डायरेक्ट करंट है, और आज की दुनिया में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो अल्टरनेटिव करंट है, लेकिन डायरेक्ट करंट का सबसे पहले जानकारी दुनिया को हुई तो वो भारत में महर्षि अगस्त को ही है। इसी तरह से दुनिया में सबसे पहला सिक्का, कॉइन जिसको हम कहते हैं, वो भारत ने बनाया और सारी दुनिया को सिक्का बनाना सिखाया। ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आज से 3,500 साल पहले का इतिहास है, उसमें सिक्के बनाने का बहुत विस्तार से वर्णन है और सिक्के की ढलाई करने के लिए बहुत सारी फैक्ट्रियों की जानकारी। इसी तरह से जस्ता बनाना, जिंक, सारी दुनिया को भारत ने सिखाया जिंक बनाना। हमसे पहले कोई नहीं जानता था कि जस्ता कैसे बनता है, जिंक कैसे बनता है। और 13वीं शताब्दी में भारत में एक पुस्तक लिखी गई, उसका नाम था रस रत्न समुच्चय। उस पुस्तक में जिंक बनाने का बहुत विस्तार से वर्णन। पारा बनाना सारी दुनिया को हमने सिखाया, मरकरी जो सबसे मुश्किल है, सबसे जटिल है, वो पारा बनाने का चरक संहिता में बहुत विस्तार से वर्णन है और रस रत्न समुच्चय में भी बहुत विस्तार से वर्णन। और एक बहुत रोचक जानकारी, दुनिया में सबसे पहले बारूद बना वो भारत में, बस इस्तेमाल उसका हुआ फुलझड़ी चलाने में। ये रोचक बात है, हमने बारूद बनाया सबसे पहले, लेकिन उसका बम नहीं बनाया, उसकी फुलझड़ी बनाई। क्यों? मारना नहीं है ना, हम तो अहिंसा वाले लोग हैं ना, बारूद से मार भी सकते हैं, बम बना के किसी को ब्लास्ट कर सकते हैं, लेकिन वही बारूद फुलझड़ी भी बनाता है, वही बारूद वो चक्री भी बनाता है, और वही बारूद से अनार बनता है। तो हमने बारूद बनाया अनार के लिए, फुलझड़ी के लिए, चक्री के लिए, हमने बारूद नहीं बनाया बम के लिए। और दुनिया ने हमसे बारूद बनाना सीख लिया तो उन्होंने फुलझड़ी नहीं बनाई, उन्होंने बम बनाया, और दुर्भाग्य से फिर हमको ही मारने के काम में उसको लाया। और एक दो रोचक बातें कहता हूं, दुनिया का सबसे पहला, कृषि की बात थोड़ी कर लेता हूं, दुनिया में सबसे पहला जो उपकरण माना जाता है ना, सबसे पहला उपकरण वो है पहिया, व्हील, चक्र, ये भारत में बना। व्हील का इन्वेंशन, व्हील का आविष्कार भारत में हुआ, चक्र का आविष्कार हमारे यहां हुआ। उस पहियों को हमने बैलगाड़ी में लगाया और बैलगाड़ी को चलाया, दूसरों ने उस पहियों को हवाई जहाज में लगाया उसमें चलाया। पहिया तो एक ही है, वो हवाई जहाज में लगे या बैलगाड़ी में। और फिर हमने दुनिया का सबसे पहला कृषि उपकरण दिया, पूरी दुनिया को मालूम नहीं था उसके बारे में, हल, खेत में जोतने वाला हल, एक फल वाला हल, दो फल वाला हल, तीन फल वाला हल, जिसको तिफारा कहते हैं, दुफारा कहते हैं, एक फारा कहते हैं, ये तीनों तरह के हल सबसे पहले भारत में बने और दुनिया ने हमसे खेती करना सीखा हल चलाकर। इसी तरह से हसिया है, हथौड़ा है, बेलचा है, खुरपी है, खुरपा है, पवित्र है, सैकड़ों किस्म के कृषि उपकरण सबसे पहले भारत में बने और सारी दुनिया में यहां से गए, क्योंकि हजारों साल पहले कृषि भारत से शुरू हुई और दूसरों ने फिर हमारी नकल करके कृषि करना शुरू किया। कृषि में बीज बोने की एक खास पद्धति होती है, एक ही लाइन में बीज को बोना, यह सारी विशेष पद्धति मानी जाती है पूरी दुनिया में, यह भारत ने ही दी है। एक लाइन में बीज को बोना और पूरे खेत में कहीं से भी खड़े होकर देखो वो लाइन बिल्कुल सीधी दिखाई देगी। उसके लिए उपकरण हमने बनाया जिसको अंग्रेजी में ड्रिल प्लाऊ कहते हैं, वो ड्रिल पवित्र हम लोग कहते हैं, वो सबसे पहले भारत में बना और सारी दुनिया ने उसकी नकल की। आप जानते हैं, आप में से जो किसानी करते हैं, खेती करते हैं, कि धान का बीज पहले रोपा जाता है, फिर पौधा थोड़ा बड़ा होता है, उस पौधे को उखाड़कर दूसरी जगह प्रत्यारोपित किया जाता है। ये जो टेक्निक है वो पूरी दुनिया को भारत ने सिखाई है।
धान के बीज को एक जगह बोना, फिर उसको जड़ सहित उखाड़कर दूसरी जगह प्रत्यारोपित कर देना ताकि उत्पादन ज्यादा मिले और खेत का नुकसान सबसे कम हो। यह पूरी दुनिया को भारत ने सिखाया धान लगाने की यह पद्धति, और सारी दुनिया में धान इसी तरीके से लगाया जाता है। यह हैरानी की बात है, दुनिया के 155 देश धान का उत्पादन करते हैं, भारत की नकल करके इसी पद्धति से वो धान का उत्पादन करते हैं। और एक महत्व की बात कि सारी दुनिया को जानवरों के मल मूत्र से खाद और कीटनाशक बनाना सबसे पहले भारत ने सिखाया। गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से, बैल के गोबर से, गाय के मूत्र से, बैल के मूत्र से, भैंस के मूत्र से क्या क्या कीटनाशक बन सकते हैं, कौन कौन सी खाद बन सकती है, ये सारी दुनिया को भारत ने सिखाई। तो कृषि में बहुत कुछ हमने दिया, तकनीकी में हमने बहुत कुछ दिया, विज्ञान में हमने बहुत कुछ दिया, और हम पराविद्या में चले जाएं तो उसमें तो सब कुछ हम ही ने दिया है पूरी दुनिया को। अध्यात्म है, धर्म है, संस्कृति है, सभ्यता है। भारत के बारे में एक रोचक जानकारी मैं देना चाहता हूं आपको कि दुनिया के सारे धर्मों की जड़ भारत में है, सारे धर्मों की जड़ भारत में है। कोई देश ये नहीं कह सकता कि हमने ये धर्म अपने यहां से शुरू किया, क्योंकि मूल बात हमारे पास है। तो सभी धर्मों का प्रादुर्भाव हमारी शिक्षा में से हुआ होगा, हमारी सभ्यता संस्कृति में से हुआ होगा। तो अगर पराविद्या में देखें, अपराविद्या में देखें, प्रचंड भंडार है जो भारत ने दिया है। इतना कुछ भारत ने दुनिया को दिया है। तो मैं आपसे बस एक ही निवेदन करना चाहता हूं अंत में कि आप आज के इस व्याख्यान के बाद अपने मन में कभी भी हीनता मत आने दीजिए, लघुता मत आने दीजिए, कोई आत्मग्लानी मत आने दीजिए। अब गर्व से कहिए, गौरव से कहिए कि विमान का आविष्कार हमने किया, बर्फ का आविष्कार हमने किया, स्टील का आविष्कार हमने किया, खगोल शास्त्र का सारा ज्ञान दुनिया को हमने दिया, गणित में नंबर सिस्टम हमने दिया, वर्गमूल दिया, घनमूल दिया, वैदिक गणित के सूत्र दिए। इतना कुछ दुनिया को हमने दे दिया है कि दुनिया हमारा सैकड़ों बार आभार व्यक्त करे तो भी वो कम है, हजारों बार आभार व्यक्त करे तो भी वो कम। हमारे मन से अब ये हीन भावना निकल जानी चाहिए। और आगे का एक कदम जो हमें उठाना है वो ये कि आज का व्याख्यान खाली व्याख्यान मात्र नहीं है, भारत स्वाभिमान की मदद से हमें एक बहुत बड़ा विश्वव्यापी अभियान चलाना है। अपनी खोज को, अपने इन्वेंशंस को दुनिया भर के सामने स्थापित करने के लिए और पुरानी की गई गलती को ठीक करने के लिए जो ऐतिहासिक रूप से भूल हो गई। आप सभी इस अभियान में लगेंगे, मेरा विश्वास है। अपने मन से हीन भावना निकालेंगे, दूसरों के मन से भी निकालने का प्रयास करेंगे, ईश्वर हमें जरूर मदद करेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।